पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी क्वांटम स्टेट्स की इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। देखो भाई, इसके ऊपर आपके आईआईटी जेम में और ऑलमोस्ट हर एक एमएससी एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आते हैं भाई, इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो टॉपिक है ये आपको बाकी टॉपिक सीखने के लिए भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, इवन आपका ये बीएससी फाइनल ईयर में भी दे रखा है टॉपिक, बाकायदा बेटा सिलेबस में ऐड टॉपिक है, पता होगा ना आपको? नहीं पता, देखा है? गुड, तो बताओ तो हम क्या पढ़ें। तो बेटा पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स। फिर क्या पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के रहने के तरीकों का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम, फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और लास्ट में हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे। ठीक है बात, तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं हम, डेरिवेशन ऑफ एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो पहले आपने समझना पड़ेगा कि पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में होता क्या है। ओके, तो आप ये मानने, मान लिया हमारे पास एक शीशे की पाइप है भाई। ठीक है, इस शीशे की पाइप में एक कबूतर ट्रैप्ड है। इस कबूतर की जो हाइट है वो पाइप के डायमीटर के बराबर है। ओके, तो कबूतर ये ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, सिर्फ लेफ्ट राइट में मूव कर सकता है। ओके, और यहां से लेके यहां तक इस पाइप की लेंथ क्या मान लो, ए। पाइप की लेंथ आप क्या मान लो, ए मान लो भाई, ए पाइप की लेंथ है। और एक्स क्या है, वेरिएबल। एक्स ये बताता है पोजीशन कि कबूतर पाइप में कहाँ है। मैं ये कहूँ कि एक्स बराबर जीरो, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पाइप के शुरू की। मैं कहूँ एक्स बराबर है ए बाई टू, ए एक कॉन्स्टेंट बेटा पाइप की लेंथ, ए बाई टू मतलब कबूतर कहाँ है, बॉक्स के मीडियम। मैं कहूँ एक्स इज इक्वल टू ए, तो बॉक्स यानी कि जीरो से ए तक की जो दूरी है ना, उसी को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स। ठीक है बात बेटा, इसको बंद कर दो, ये वाले से बंद कर दो, यहां से नहीं चाहिए, यहां से ये एमसीबी में से बंद करो, एमसीबी में से बस। ठीक है बात, आपको पहले पड़ी। अच्छा यहां क्या मान लो पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल क्या होता है, ये भी शोर कर रहा है क्या, अच्छा ये मान लो यहां पर पोटेंशियल क्या है, यहां पोटेंशियल मानो आप इनफाइनाइट, ये मानो इस बॉक्स के बाहर पोटेंशियल क्या बेटा, इनफाइनाइट। बॉक्स के इस साइड पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू इनफाइनाइट। पोटेंशियल का मतलब होता है डिस्टरबेंस, एक तरह से क्या, डिस्टरबेंस। और मैं ये कहूं इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, जीरो, मतलब इस कबूतर को इस पाइप के अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पोटेंशियल आपको पता होगा ना भाई, पोटेंशियल से क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट, वो क्या होता है, पोटेंशियल, पता होगा ना आपको। तो यहां पर नहीं, आपको सुन, आप इसको बेटा ऐसे मान सकते हो, मान लीजिए ये एक भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल करेगा ना, और ये दूर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको यहां तक लेके आने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, किस चार्ज को यहां तक लेके आने में, पॉइंट ए तक ही, पॉइंट बी तक। जब ये बहुत दूर है तो इसको हम जब नजदीक लेके आएंगे तो इसको बेटा रिपेल करेगा ये, तो यहां तक लेके आने में कम एफर्ट लगेगा, लेकिन जितना नजदीक आएगा उतना भैया रिपेल होएगा। तो यहां तक लेके आने में क्या हो, ज्यादा एफर्ट, बात आपको पहले पड़ी। तो इस पॉइंट तक लेके आने में क्या है, मोर एफर्ट, यहां तक क्या है, कम एफर्ट। तो इस पर क्या है, कम पोटेंशियल, इस पर क्या होता है, ज्यादा पोटेंशियल। और आप मुझे बताओ, अगर चार्ज को हम यहां पर छोड़ दें तो कहां से कहां भागेगा, ऐसे तो ये बेटा क्या है, लो पोटेंशियल पॉइंट,
क्योंकि यहाँ तक चार्ज को लेके आने में, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने में कम वर्क करना पड़ेगा, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तुम क्या बोलेंगे, ज़्यादा वर्क ज़्यादा पोटेंशियल, कम वर्क कम पोटेंशियल? तो पोटेंशियल को भी वैसे तो हम वर्क डन से कोरिलेट करते हैं, लेकिन एक देसी तरीका है वो ये है, बेटा इस पॉइंट पे रिपल्शन ज़्यादा होगा कि इस पॉइंट पे? तो जो हाई पोटेंशियल पॉइंट था उस पे रिपल्शन भी क्या है, ज़्यादा, और लो पोटेंशियल पॉइंट पे तो मैं ये नहीं बोल सकता हाई रिपल्शन पॉइंट क्या होगा, हाई पोटेंशियल वाला, और लो पोटेंशियल लो रिपल्शन वाला पॉइंट क्या होगा, लो पोटेंशियल वाला। और चार्ज को हम कहाँ से कहाँ पर छोड़ दें, अगर मैं इस पॉइंट पर छोड़ दूंगा तो कहाँ भागने की ट्राई करेगा, हाई रिपल्शन से लो रिपल्शन, बात आपको पहले पड़ेगी। तो यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल का और भी कम होगा, तो थोड़ा आपको सेंस आया पोटेंशियल का? पोटेंशियल होता है जब कोई, जैसे यहाँ पर है ये चार्ज इसको डिस्टर्ब कर रहा है कि दूर भाग, लेकिन इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या बताओ, जीरो, बॉक्स के बाहर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है बात, और बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या, जीरो। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर ये बेटा ये जो कबूतर है ये क्लासिकल सिस्टम है क्या ये, तो ये कबूतर एक टाइम पे दो जगह होगा कि एक जगह होगा, ये कबूतर एक टाइम पे भाई एक जगह होएगा ना, इजंट इट, और इसकी पोजीशन हमको नजर आ जाएगी इजीली, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे आएंगी बताओ, इस कबूतर की प्रॉपर्टी कैसे आएंगी, सिंपल फॉर्मूलों से। अगर आपने इस कबूतर का मोमेंटम निकालना है, आपको होगा कबूतर का मास इंटू इसकी वेलोसिटी, कबूतर का मास कबूतर की वेलोसिटी क्या आ जाएगा, कबूतर का मोमेंटम। अगर आपने कबूतर की काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो क्या करोगे आप, हाफ एम वी स्क्वायर से क्या जाएगी, कबूतर की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब बात यह है आप जो भी आप लगाओगे भाई इससे हमारे पास बेटा इजीली इसकी वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला आ जाएंगी ना। लेकिन अगर यही कबूतर, तो इस कबूतर की सारी प्रॉपर्टी किससे आती है, सिंपल फॉर्मूलों से, मास इंटू वेलोसिटी से क्या जाएगा, मोमेंटम, हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बात। लेकिन अगर ये पाइप जो है ये बहुत छोटी है और कबूतर का मास बहुत कम है इलेक्ट्रॉन के बराबर मान लो आप तकरीबन, तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्वांटम सिस्टम बन गया ना, क्या बन गया, तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे अब? तो बेटा क्लासिकल सिस्टम में तो आपको प्रॉपर्टी निकालनी आएगी, लेकिन क्वांटम सिस्टम में ये जो कबूतर है जो वन डायमेंशनल पाइप के अंदर क्या है, ट्रैप्ड, तो इसकी प्रॉपर्टीज आप कैसे निकालोगे, ऑपरेटर से। लेकिन ऑपरेटर किस पे लगता है, ऑपरेटर लगाने के लिए आपको क्वांटम वर्ल्ड में सारी प्रॉपर्टी ऑपरेटर से आती हैं, ऑपरेटर लगा देंगे प्रॉपर्टी आ जाएंगी, लेकिन ऑपरेटर को चाहिए होगा इस कबूतर के रहने के तरीकों को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और वो हमारे पास है नहीं, तो वो कैसे निकालेंगे हम, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से। तो हमारा यहाँ पर क्या फ्लो रहेगा, तो मैं ये पता करूँगा, मैं ये मान लूँगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये कबूतर इस वन डायमेंशनल पाइप में जैसे भी रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके रहने के तरीकों को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़रूर बताएगा, वो एक्सप्रेशन भी मुझे नहीं पता, लेकिन मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई, फिर साई पे मैं क्या लगाऊंगा, हैमिल्टोनियन, तो एच साई ए साई आएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे ना तो मेरे पास क्या आएगा, एनर्जी भी आएगी और साथ में साई भी आएगा। और एक बार ये आपके पास साई आ गया तो आप साई को विजुलाइज भी कर सकते हो, साई मतलब रहने के तरीके, उनको आप विजुलाइज भी कर सकते हो, और प्लस एक बार साई आ गया आपके पास, उनके ऊपर आप दूसरे ऑपरेटर लगा लगा के उनकी वैल्यू मालूम कर सकते हो, बात आपको पहले पड़ी। तो बेटा यही तरीका यहाँ पर फॉलो करते हुए, यही तरीका यहाँ पर फॉलो करो, आप क्या बोलोगे, हालांकि भाई आमतौर पे आप डेरिवेशंस को स्किप कर सकते हो, लेकिन ये डेरिवेशन स्किप करने योग्य नहीं है क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। बताओ क्या तुम क्या बोलेंगे, मान लिया ये कबूतर इसके अंदर जैसे भी रहता है, हमको नहीं पता ये क्वांटम कबूतर, अब ये कबूतर ये पार्टिकल इन वन इस वन डी बॉक्स में जैसे भी रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मान लिया इसके रहने का तरीका क्या है, साई, साई पे क्या लगा दो, हैमिल्टोनियन, तो एच साई शुड बी इक्वल टू ई साई होना चाहिए ना, पक्की बात है, ओके। तो बेटा बताओ, अब ना मुझे साई पता ना मुझे ई पता, लेकिन मुझे हैमिल्टोनियन पता है, यहाँ पर कितने वेरिएबल है बताओ, एक,
सिर्फ, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ भाई, ये कबूतर सिर्फ एक्स दिशा में मूव कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे सिर्फ बताओ। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल। तो किस तरह का हैमिल्टोनियन पुट करना है आपने? वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन पुट करो एक बारी। ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वेयर बाई एट पाई स्क्वेयर एम कर्ली स्क्वेयर बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस वी, ये होगा ना बेटा, इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इस साई को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ई साई को इस साइड फेंक दो, और फिर क्या करो, इसको एट पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर माइनस वाला उससे सारे को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अरे भाई इसको इन से मल्टीप्लाई करो और ई साई को इस साइड फेंक दो, ठीक है बात। उसके बाद एट पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर माइनस का उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, समझे बात, तो आपके पास क्या बन जाएगी? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था। बताओ क्या होगी हमारे पास? वो कर्ली स्क्वेयर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस एट पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये आ जाएगा ना कि नहीं आएगा? ठीक है भाई, अब ये बेटा इक्वेशन आ गई। ये आपने पार्टिकल इन वन डी बॉक्स के लिए आपने भाई क्या सेटअप कर ली है? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास? इस पार्टिकल के रहने का तरीका भी और इस पार्टिकल की एनर्जी भी, एनर्जी यूज कर लेंगे और जो इलेक्ट्रॉन सॉरी इस पार्टिकल के रहने का तरीका होगा उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा लगा के उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना बताओ? तो ये बेटा दो तरह सॉल्व होगी। पहले आपने सॉल्व करनी इक्वेशन बॉक्स के बाहर के लिए, क्या बॉक्स के बाहर, तो आप बॉक्स के बाहर के लिए इक्वेशन सॉल्व करो, तो आपने यहां पर क्या पुट करनी पड़ेगी? बॉक्स के बाहर की कंडीशन। तो बॉक्स के बाहर कैसी कंडीशन है भाई? कितना पोटेंशियल है? इन्फिनिटी, शाबाश। तो बॉक्स के बाहर बेटा पोटेंशियल आप खुद कह रहे हो इनफाइनाइट है, पुट करो क्या हो जाएगा? कर्ली स्क्वेयर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर, है ना? मैं बेटा क्या बोल रहा हूँ बताओ? तो हमारे पास क्या आएगी? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, ये इक्वेशन। अब इसको बॉक्स के बाहर के लिए सॉल्व करो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फॉर आउटसाइड द बॉक्स। तो बॉक्स के बाहर ही कंडीशन पुट करियो, बताओ क्या हो जाएगा? कर्ली स्क्वेयर साई बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस एट पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस इनफाइनाइट इंटू साई इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा ना। अब बेटा इनफाइनाइट के मुकाबले क्या ई को नेगलेक्ट किया जा सकता है कि नहीं कर सकते? कर दो नेगलेक्ट, अंदर क्या रहेगा? सिर्फ माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी को इससे मल्टीप्लाई करियो, माइनस इन्फिनिटी आएगा बेटा। माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। अब माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी साई को उस साइड फेंक दो, क्या आ जाएगा मेरे पास? इज इक्वल टू इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू दिस, तो साई क्या आ गया मेरे पास? वन बाई इनफाइनाइट। तो शाबाश, अब ये बेटा कुछ भी हो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू जीरो। तो बॉक्स के बाहर फंक्शन क्या है बताओ? तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा ये फंक्शन में क्या मान के चला था? पार्टिकल के रहने का तरीका। तो अगर पार्टिकल के रहने के तरीके को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बॉक्स के बाहर कैसी कंडीशन रखता है, कैसी वैल्यू रखता है? जीरो। इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर बेटा पार्टिकल के एग्जिस्ट करने के तरीके को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बॉक्स के बाहर जीरो वैल्यू रखता है, इसका मतलब पार्टिकल बॉक्स के बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बॉक्स के बाहर फंक्शन क्या है? जीरो। इट मीन्स बोलो भाई दिस पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, वेरी गुड। अब बेटा चेक करो बॉक्स के अंदर क्या, अब बॉक्स के अंदर, अब बॉक्स के अंदर कैसे चेक करना है बताओ? अब बॉक्स के अंदर बताओ क्या हमारे पास पोटेंशियल? जीरो। अब यहां पर बेटा आप जीरो पुट करो, जीरो पुट कर दी,
है नहीं क्या? तो ये बताओ मेरे पास क्या गया, तो कर्ल स्क्वेयर साई बाई कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस एट पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर ई माइनस जीरो इंटू साई, तो अंदर बेटा यहाँ पर ई रह गया बस, ये क्या रह गया, तो ई साई आ गया मेरे पास। ओके, अब इसको एक कॉन्स्टेंट मान, पहले बताओ बॉक्स के बाहर फंक्शन क्या है, जीरो, यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो। अब बेटा बताओ एट पाई स्क्वेयर एम ई बाई एच स्क्वेयर आ गया ना कि नहीं आया है, तो बेटा बताओ एट पाई स्क्वेयर एम ई बाई एच स्क्वेयर इंटू ई, इसको आप एक कॉन्स्टेंट मान लो, क्या मान लो उसको आप एक, क्योंकि देखो ये है तो, क्योंकि हमको पता है ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट, और एक्सपेरिमेंटली पता होता है कि एनर्जी भी क्या होती है कॉन्स्टेंट, तो बेटा सारे कॉन्स्टेंट होंगे ना, तो इस कॉन्स्टेंट को के स्क्वेयर मान लो, तो के स्क्वेयर मैंने क्या मान लिया बताइयो, बताओ एट पाई स्क्वेयर एम ई बाई एच स्क्वेयर, इसको आप के स्क्वेयर मान लो, मान लिया, तो मेरे पास फंक्शन क्या, मेरे पास इक्वेशन किसे बदल गई, प्लस के स्क्वेयर साई इज इक्वल टू जीरो में बदल गई ना, तो बेटा बॉक्स के बाहर के अंदर के लिए ये जो इक्वेशन थी के स्क्वेयर ये पुट कर दिया, तो आपके पास बेटा ये इक्वेशन यही क्या, बताओ। अच्छा अब आप मैथ से हो, इस तरह की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, है ना बेटा, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, वेरी गुड, तो उसी इसी तरह से इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है पता आपको, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ये थ्योरम होती है मैथ्स के अंदर क्या बेटा, ऐसी शक्ल की हमारे पास क्या हो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कर्ली स्क्वेयर वाई बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर वाई, अरे सम कॉन्स्टेंट, हम वाई की जगह साई यूज कर रहे हैं, सी की जगह हम के यूज कर रहे हैं, नहीं आपको इज इक्वल टू जीरो, तो इस तरह की इक्वेशन का, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है। तो पहले तो हमको पता ही नहीं था कि कबूतर के रहने के तरीके को बताने वाला फंक्शन क्या होगा, अब हमको थोड़ा आइडिया हो गया ना, अभी बेटा ये फंक्शन हमको पूरी तरह नहीं पता, क्योंकि ए भी क्या है कॉन्स्टेंट, हमको नहीं पता क्या है ये, और बी भी क्या है कन्नोवन कॉन्स्टेंट, और आपको तो आपको क्या क्या पता है, आप ये तो बेटा कोई फंक्शन प्लॉट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, फंक्शन में एक्स तो हमारा क्या है वेरिएबल, एक्स तो क्या है बेटा, बताओ मैं ये कहूँ वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी, क्या मैं इस फंक्शन को प्लॉट कर सकता हूँ, नहीं बेटा कायदे से देखा जाए तो इसको मैं एग्जैक्टली पता नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सी नहीं पता मुझे, अगर सी पता हो ना तीन है तो एक्स की वैल्यू नंबर पुट करो वाई की वैल्यू भी नंबर आएगी, तो सिमिलरली यहाँ पर एक्स की वैल्यू में नंबर पुट करूँ तो वो साई की वैल्यू तो आएगी, लेकिन अभी हमको कई बातें नहीं पता, अभी हमको ए नहीं पता, हमको बी नहीं पता और हमको के भी नहीं पता, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या बताओ अननोन, तो ए बी के अननोन है ना, तो फंक्शन को आपको आइडिया हो गया, लेकिन पूरी तरह आपको फंक्शन मालूम नहीं चला है, ठीक है, तो पूरी तरह बेटा फंक्शन कैसे मालूम करोगे, एक अब आपको ये पता है, अब आप मुझे बताओ, तो ये बेटा फंक्शन कहाँ है, बॉक्स के बाहर फंक्शन क्या था जीरो, बॉक्स के अंदर फंक्शन क्या आया, ये आ गया ना बेटा, ये तो क्या है बॉक्स के बाहर फंक्शन का एक्सप्रेशन, और ये क्या है बॉक्स के अंदर फंक्शन का एक्सप्रेशन, ठीक है मान लिया। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लिया बेटा एक पुल है, इसको ध्यान से बताओ आप मुझे, ठीक है, एक बेटा एक नदी है यहाँ पर, ये एक नदी मान लो आप, ये एक, ठीक है, अरे इतनी छोटी एक नदी ही है ऐसे आ रही है, सॉरी एक नहर है ये, ओके, तो नहर के ऊपर बेटा क्या बनता बताओ, पुल बनता होगा ना, क्या बनता है ब्रिज, मान लिया ये नदी है और ये जमीन है, ओके, तो ब्रिज कैसे बनता है, क्या ऐसा ब्रिज वैलिड होता है कि ब्रिज शुरू होए 5 फुट से, ब्रिज की हाइट शुरू होए 5 फुट से, क्या ऐसा ब्रिज अलाउड है,
यानी ब्रिज की हाइट शुरू हो रही 5 फुट से, ब्रिज खत्म हो रहा है 10 फुट पे। बेटा अलाउड है क्या? क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि गाड़ी तो आई, तो गई गाड़ी आएगी, लेकिन ब्रिज पे चढ़ेगी कैसे? नहर तो पार करवानी है बेटा, गाड़ी टक्कर नहीं मार देगी इसके अंदर। क्यों? सीधे क्या सामने 5 फुट की दीवार है, नहीं मत आपको पले पड़ रही। अच्छा मान लिया भाई कोई क्रेन यहाँ पर लगी हुई है, उसने बेटा गाड़ी को उठाया और कहाँ रख दिया? यहाँ पर रख दिया। तो उसके ऊपर जाके यहाँ पर फिर से वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीधे कहाँ से कहाँ पर गिरेगी? 10 फीट से नीचे गिरेगी। तो ऐसा कोई ब्रिज बना देगा इंजीनियर तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ब्रिज की शुरुआत किससे हो रही है? 5 फुट की हाइट से। ब्रिज का एंड किस पे हो रहा है? 5 फुट की हाइट पे। यहाँ पर गाड़ी आ गई तो गिरेगी 10 फुट की खड्डे में एकदम से, नहीं है? आपको एक अच्छा ब्रिज कौन सा होता है? एक अच्छा ब्रिज बेटा वो होता है जो शुरू भी कहाँ से हो? रोड से। रोड की हाइट से क्या हो बेटा? रोड की हाइट से ब्रिज क्या होना चाहिए शुरू, ताकि गाड़ी को दिक्कत ना आए। नहीं बात आपको पहले पड़ रही? अगर बेटा रोड की हाइट 0 है तो ब्रिज की हाइट भी क्या होनी चाहिए? 0 से शुरू होते बढ़े, हाँ बीच में चाहे बढ़े चाहे घटे कोई दिक्कत नहीं हमको, बीच में चाहे फिर ये बढ़े ऊपर नीचे कुछ भी हो, लेकिन एंड में फिर क्या हो जाना चाहिए बताओ? नहीं बात आपको पहले पड़ रही बेटा? एक बहुत लंबी नदी है या एक पहाड़ है तो एक ब्रिज शुरू होएगा। ब्रिज की हाइट कहाँ से शुरू होती है? रोड की हाइट से, बिल्कुल ज़मीन से ब्रिज शुरू होता है। फिर वो ब्रिज ऊपर कैसे मूव करे? लेकिन ख़त्म होते होते ब्रिज फिर क्या होना चाहिए? पूरी तरह से 0 होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ। अब बेटा मैं एक बारी मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, ये बताओ बताओ क्या है? प्लस साई, ये क्या है? माइनस साई, और ये क्या है? माइनस एक्स, ये बताओ क्या है? प्लस एक्स। ये है बेटा 0 से a, 0 से, तो ये बॉक्स की लेंथ होगी ना। तो बेटा इस साइड फंक्शन क्या बताओ? इस साइड फंक्शन क्या है? 0। यहाँ फंक्शन क्या है? 0 बेटा। जी एक्स बराबर 0 से पहले और एक्स बराबर ए के बाद, बॉक्स के शुरू से पहले और बॉक्स के एंड के बाद फंक्शन क्या है? 0 ना। तो बॉक्स में एंट्री करते ही फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा? आप ये बताओ, बॉक्स के साइड फंक्शन 0 है, तो अगर मैं ये कहूँ बॉक्स में शुरू होते ही एंड में, बॉक्स में एंट्री करते फंक्शन 5 हो जाए तो अच्छी बात है। क्यों? क्यों सडन चेंज है भाई, क्या है? सडन चेंज, नहीं रहा पसंद है बेटा? अगर बॉक्स के शुरू में फंक्शन, बॉक्स के शुरू से पहले, बॉक्स के एक्स बराबर 0 से पहले फंक्शन 0 ना, तो बॉक्स में एंट्री करते हुए फंक्शन क्या होना चाहिए? शुरू में 0 हो, जैसे पुल की हाइट, क्योंकि फंक्शन आपने क्या रखना है भाई? कॉन्टिन्यूस। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वांटम वर्ल्ड में स्टेट्स कैसी होती है? वेव लाइक। तो उनको बताने वाले एक्सप्रेशन भी क्या होने चाहिए? वेव लाइक, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। क्या होने चाहिए? सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये कॉन्टिन्यूटी सिर्फ बॉक्स के अंदर मेंटेन नहीं करनी है, ये बॉक्स के बाहर से बॉक्स के अंदर जाते हुए भी क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए बेटा। यहाँ पर तो फंक्शन 0 है, एंट्री करते ही फंक्शन 5 हो जाए तो, हाँ बॉक्स के मिड में कुछ हो जाए भाई फंक्शन, लेकिन शुरू में और एंड में क्या होना चाहिए? 0, ताकि बॉक्स के बाहर निकलते हुए फंक्शन क्या हो जाए? 0, क्योंकि ए के बाद फंक्शन 0 है और 0 से पहले फंक्शन 0 है। तो बॉक्स में एंट्री करें तो 0 से एंट्री हो, बॉक्स में निकले तो 0 से आउट हो, नहीं आपको समझ में? तो हमको पता है भाई कि ये फंक्शन, अगर मैं ये कहूँ बेटा फंक्शन ग्राफ ये हो, सोचो आप ये बेटा ग्राफ हो फंक्शन का, तो ठीक ग्राफ है ये बताओ? ये ग्राफ बेटा एंड में तो ठीक है, क्योंकि भाई बॉक्स के देखो यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है, बॉक्स के एंड में तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है बॉक्स में से निकलते हुए, लेकिन बॉक्स में एंट्री करते हुए कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड नहीं है। 0000005 ऐसे अनएक्सेप्टेबल, नहीं आपको? तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बनी रहे इसके लिए बताओ कंडीशन क्या है? बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 है, तो बॉक्स के अंदर एंट्री करते ही 0 से एंट्री हो, जैसे पुल की हाइट 0 से शुरू होनी जरूरी होती है।
तो बेटा काम करो, अब लेकिन आप चेक करो ये फंक्शन बॉक्स के शुरू में क्या वैल्यू रखता है, बताओ। आप x बराबर 0 पुट करियो, x 0 पुट करो, साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया। तो बेटा बॉक्स के शुरू में x बराबर 0 पे ये फंक्शन क्या आ गया, b आ गया, और b क्या बेटा एक कॉन्स्टेंट। अब अगर b 5 हो तो बेटा b एक कॉन्स्टेंट है, अगर b 5 हो तो तुम क्या बोलेंगे कि बॉक्स से शुरू फंक्शन क्या है 5, b 8 हो तो बॉक्स से शुरू फंक्शन क्या है 8, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। यानी b क्या होना पड़ेगा, बॉक्स के शुरू में फंक्शन b है, बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या है भाई b है, और बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या होना चाहिए 0, मतलब b को ही क्या करना पड़ेगा 0। नहीं बात आपको पले पड़ी, इसको बेटा आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो b 0 आ गया ना, तो एक कॉन्स्टेंट तो पता लग गया आपका, हो गया ये तो बॉक्स के शुरू में कॉन्स्टेंट पता लगा। अरे भाई कॉन्स्टेंट है चाहे बॉक्स के शुरू में पता लगे, चाहे बॉक्स के मिड में, चाहे एंड में, वो तो फिर हर जगह क्या होगा कॉन्स्टेंट 0 रहेगा। आप इसको बेटा ऐसे भी मालूम करो, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको भाई, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन एक्स बराबर 0 फंक्शन शुड बी 0, व्हेन एक्स बराबर 0 फंक्शन शुड बी 0। तो बेटा फंक्शन 0 पुट करो, 0 पुट करो, क्या हो गया साइन 0 0 प्लस कॉस 0 1, क्या आ गया b। तो b की वैल्यू अपने आप ही क्या रही है, या तो आपने या तो काम करो सिर्फ यहां पर 0 पुट कर दो तो साई की वैल्यू b आ गई, या तो ऐसे आइडिया लगा लो कि बॉक्स के शुरू में फंक्शन b है लेकिन होना चाहिए 0, तो हम b को क्या बना लेते, या एक काम करो क्या बोल दो, व्हेन x बराबर 0 साई शुड बी 0, तो x तो बेटा 0 पुट कर दो और साई क्या पुट कर दो 0, तो साइन 0 0 ये डाला 0, कॉस 0 1, बी क्या आ गया 0, तो बी 0 आ गया। नहीं आ रहा आपको ये, तो बेटा बी क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब ये बेटा बी यहां पुट कर दो, तो पहले हम क्या मान रहे थे कि फंक्शन क्या था साइन और कोसाइन फंक्शन का सम, अब बेटा बी 0 पुट करने पर ये पूरा पोर्शन ही क्या हो गया, तो फंक्शन क्या रहेगा मेरे पास ए साइन के एक्स, क्योंकि बी तो 0 है, यानी कोसाइन वाला पार्ट क्या खत्म हो गया, तो ये आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई कबूतर के रहने के तरीके को बताने वाला फंक्शन हमारे पास आता नहीं जा रहा क्या सही से, बताओ ए साइन के एक्स। अच्छा डर दो, अब ये तो है ही है कि बॉक्स के शुरू में तो फंक्शन क्या है, अगर बेटा मैं फंक्शन को शो करूं स्मोक से तो बॉक्स के बाहर स्मोक कितना है, अगर मैं फंक्शन को स्मोक से शो करूं शीशे का पाइप है तो बेटा इस साइड स्मोक कितना है 0, इस साइड स्मोक कितना है 0, तो एंट्री करते हुए तो बेटा बॉक्स में एंट्री करते हुए यहाँ से एंट्री करें चाहे एंड से एंट्री करें क्या होनी चाहिए वैल्यू 0, यानी कि सिर्फ एक्स बराबर 0 पे ही फंक्शन 0 होना चाहिए कि बॉक्स के एंड में फंक्शन क्या होना चाहिए 0। एक अच्छा पुल वही होता है भाई जो शुरू में भी क्या हो वाइट 0 और एंड में वाइट क्या हो 0, ताकि कॉन्टिन्यूटी रोड से बनी रहे। बात आपको पहले पड़ी, तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन, हाँ बेटा दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है, एक्स बराबर ए लिखूं मैं तब भी फंक्शन क्या होना चाहिए 0, यानी कि व्हेन एक्स बराबर ए फंक्शन शुड ऑल्सो बी 0, सॉरी यानी एक्स बराबर 0 पे तो फंक्शन 0 होना ही था, एक्स बराबर ए पे भी फंक्शन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ना, ठीक है। तो लिखो इसको, एक्स बराबर ए पे बेटा फंक्शन 0 करियो, यहां पर ए पुट करो, 0 इज इक्वल टू ए साइन के ए, वेरी गुड। अब ए को इस साइड फेंक दो, खत्म हो गया साइन के ए क्या आ गया, इसका मतलब बॉक्स के शुरू में बेटा फंक्शन 0 कब होता है, जब बी 0 है, बॉक्स के शुरू में फंक्शन 0 कब होगा जब बी 0 होगा, और बॉक्स के एंड में फंक्शन 0 कब होगा जब साइन
शाबाश, ये कहता है अगर ये फंक्शन अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना चाहता है, यानी बॉक्स के बाहर निकलते हुए इसे क्या होना पड़ेगा, जीरो भाई, क्योंकि बॉक्स के बाहर फंक्शन जीरो है एंड में, तो एंड तक जीरो होना चाहिए एंड पे भी, है ना। अगर ये फंक्शन अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना चाहता है तो इसको बॉक्स के एंड में जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि एंड के बाद बाहर निकलते ही फंक्शन जीरो है। बात आपको पहले पड़ी, तो देखा तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, साइन के ए शुड बी व्हेन एक्स बराबर ए, फंक्शन शुड बी जीरो, ए जीरो हो गया, साइन के ए शुड बी जीरो। ये कहता है साइन के ए जीरो होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमको नहीं पता साइन के ए जीरो होता है कि नहीं होता, हमको लेकिन ये पता है कि साइन जीरो जीरो होता है, हमको ये पता है कि साइन 180 जीरो होता है, हमको ये पता है साइन 360 जीरो होता है, हमको ये पता है साइन 540 जीरो होता है, हमको ये पता है साइन 720 जीरो होता है। ये कहता है साइन के ए क्या होना चाहिए, जीरो। हम क्या कहते हैं कि हमको नहीं पता साइन के जीरो होता है कि, लेकिन हमको ये पता है कि साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 जीरो, साइन 360 जीरो, साइन 540 जीरो, 720 जीरो। अब इसको, अब 180 बेटा क्या होता है, एक पाई, 180 क्या होता है, वन पाई, जीरो क्या होता है, जीरो पाई, 360 क्या होता है, टू पाई, 540 क्या होता है, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई। आपने एक बात देखी कि साइन एन पाई, ये कहता है कि साइन के ए शुड बी, ये कहता है बॉक्स के एंड में फंक्शन को जीरो होने के लिए साइन के ए जीरो होना पड़ेगा। हम कहते हैं हमको नहीं पता साइन के ए जीरो होता कि नहीं होता है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि साइन जीरो पाई, साइन एक पाई, साइन दो पाई, साइन तीन पाई, साइन चार पाई, यानी कि साइन एन पाई जीरो होता है, जहां पर एन की वैल्यू क्या है, जीरो एक दो तीन चार पाँच, यानी 180 का इंटीग्रल मल्टीपल उसका साइन हमेशा क्या होता है, जीरो। तो बेटा ये तो कहता है कि साइन के ए क्या होना चाहिए, ये तो कहता है कि साइन के ए क्या होना चाहिए, जीरो। हम कहते हैं साइन एन पाई जीरो होता है। तो भाई जिस तरीके से क्लार्क केंट सुपरमैन है, ब्रूस वेन ही बैटमैन है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, समझे बात, गंगाधर ही शक्तिमान है, उसी तरीके से बेटा के ए ही क्या है, एन पाई, साफ लिख रहे आपको। ये कहता है साइन के ए शुड बी इक्वल टू जीरो। हम कहते हैं साइन एन पाई जीरो होता है, तो इसको कोई भी पहचान सकता है कि के ए ही क्या है, एन पाई। इट मीन्स बॉक्स के एंड में फंक्शन जीरो कब होगा, जब के की वैल्यू, जब के ए की वैल्यू क्या हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। इट मीन्स सॉरी अरे, यानी कि एन पाई इज इक्वल टू के ए, बेटा के ए ही एन पाई है, इसका मतलब के ए ही क्या है, बताओ फटाफट, इसका मतलब बेटा के ए ही क्या है, एन पाई। तो के की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई बटा ए, ये पुट कर दो यहां पर, के क्या आ गया, एन पाई बटे। देखो तो देखो धीरे धीरे आपको फंक्शन मोर एंड मोर मालूम होता जा रहा है ना, आ गया। तो यहां पर बेटा इसको भी रिप्लेस कर दो, तो फंक्शन क्या था मेरे पास, ए साइन के एक्स, तो के को किससे हटा दो, बताओ, एन पाई एक्स बाई ए, जहां पर एन की वैल्यू क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, जाएगा मेरे पास। पहले बेटा हमने फंक्शन का, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था, क्या था बताओ, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। पहले हमको पता लगा बी जीरो है, फिर हमको पता लगा के, अब ए कॉन्स्टेंट रह गया जो हमको नहीं पता कौन सा, बताओ बेटा ए भी क्या है, अननोन, लेकिन हमको ये पता है
अगर ये फंक्शन सच्चा है, अगर ये फंक्शन ट्रू है, तो इसके स्क्वेयर का सम, सॉरी इसके स्क्वेयर का इंटीग्रेशन ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होना चाहिए? वन। भाई इसका स्क्वेयर क्या बताएगा? अगर ये फंक्शन सच्चा है तो इसका स्क्वेयर क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और उसका इंटीग्रेशन ओवर द होल स्पेस क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। कंप्लीट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक। इट मींस अगर ये फंक्शन सच्चा है तो साई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन जीरो से ए, बॉक्स के बाहर तो बेटा कबूतर रहता नहीं, तो बॉक्स का एंड कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से ए तक। तो बॉक्स के बेटा शुरू से लेके बॉक्स के एंड तक, बेटा तो स्लो करो साइन को भी, इसको एक स्टेप ऐसे देखो बस, बेटा ज़्यादा हो गया, बेटा रहने दो ठीक है, अगर आपको गर्मी ना लग रही तो ठीक है। ओके बताओ, बात आपको पहले पड़ी, यानी जीरो से ए डी एक्स, ये बेटा क्या आना चाहिए? कन्फर्म हमको भाई, अगर ये फंक्शन सच्चा है तो इसका स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए ना। तो आप ये बताओ, तो क्या करना आपने बताइए? वेरी गुड, इसका स्क्वेयर कर दो। तुम क्या क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन जीरो से ए, प्रोबेबिलिटी वन आएगी जीरो से ए, साई स्क्वेयर डी एक्स, अर्थात हे पार्थ बताओ क्या आएगा ये बेटा? अरे बोलो बेटा, ए स्क्वेयर तो बाहर आ जाएगा, स्क्वेयर करना इसका, और साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स, साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाई डी एक्स, ठीक ये आएगा ना बेटा? तो पता क्या आएगा मेरे पास? ये इंटीग्रेशन बताओ। तो ये जो बेटा इंटीग्रेशन है, तो ये जो इंटीग्रेशन बताओ कौन सा? फंक्शन के स्क्वेयर का इंटीग्रेशन जीरो से ए, जीरो से ए क्या आएगा? एक आएगा ना कि नहीं आएगा? ठीक है। अब ये ए स्क्वेयर तो बाहर है बेटा, ए स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, ए स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, इनटू आपको पता है साइन स्क्वेयर, आपको पता है साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाई ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ए बाई टू। कितना आएगा बेटा? ये इंटीग्रल क्या आएगा बताओ? कैपिटल ए स्क्वेयर तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रल क्या आएगा? ए बाई टू। तो ए स्क्वेयर इंटू इज इक्वल टू वन आ गया। तो ए ए स्क्वेयर क्या आ गया मेरे पास? तो ए मेरे पास क्या आ गया? रूट टू बाई ए। शाबाश, बहुत अच्छे। तो बेटा मेरे पास अब के सॉरी ए भी आ गया, ए क्या आ गया बताओ? रूट टू बाई ए। नहीं आपको तो बेटा ए यहां पर पुट करियो, रूट टू बाई ए, इजंट इट? तो ऐसे आप ही बताओ, क्या आपके पास बताओ क्या क्या कबूतर के रहने के तरीकों को बताने वाले मैथमेटिकल, ये एक एक्सप्रेशन ही है ये बेटा, कबूतर के रहने के तरीकों को बताने वाला एक एक्सप्रेशन ही है, ये सभी एक्सप्रेशन है ये ना पूछो मुझे बेटा इसको। तो फंक्शन क्या है मेरे पास? तो फंक्शन क्या है मेरे पास? मैंने ये तो बोला था कि फंक्शन आएगा और क्या आएगा एनर्जी। फंक्शन क्या है मेरे पास? रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, ये तो आ गया बेटा मेरे पास। बताओ क्या ये तो क्या आ गया? ये कबूतर के रहने का, ये पार्टिकल के उस बॉक्स में रहने के एक तरीके को नहीं बताता, क्या करता ये बेटा? पार्टिकल के इस बॉक्स में रहने के बहुत सारे क्या होते हैं? तरीके। उन सभी तरीकों को ये अकेला एक्सप्रेशन बताएगा। अगर आपने इनके लिए जीरो पुट की ना, तो पहला तरीका वन पुट किया। अच्छा क्वांटम नंबर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई क्वांटम नंबर? मैं बेटा इसलिए बोलता हूँ, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं वैसे बता दो, जो भी पता बेटा। आप बार ये पढ़ते हो ना, इट इज द सेट ऑफ फोर नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच
वी कैन रिट्राइव इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये भाई एब्सोल्यूटली गलत डेफिनेशन है। ठीक है, बात डेफिनेशन होती है, क्वांटम नंबर्स आर नथिंग बट वो क्वांटम नंबर हाइड्रोजन एटम सिस्टम के हैं। किसके हैं? यहां पर एन एल एम तीन है क्या है, प्रत्येक ही है एन, और यहां पर ये एन अपने आप आया है टू सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन, बॉक्स के एंड में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए एन अपने आप आया था ना, के अपने आप क्या प्रूव हो गया था, एन पाई हमने थोड़ा प्रूव किया था। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर होते हैं, क्वांटम नंबर्स आर नथिंग बट डिस्क्रिएट वेरिएबल्स। क्या? डिस्क्रिएट वेरिएबल्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन क्वांटम स्टेट। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? डिस्क्रिएट वेरिएबल्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन ए क्वांटम स्टेट। तो आप बताओ बेटा, ये जो फंक्शन है इसके एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? मैंने एक बात बोली थी कि पोस्टुलेट्स लगाने पर हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन भी और एनर्जी भी। फंक्शन तो आ गया ना, एनर्जी भी आएगी। पहले एक बार फंक्शन को एनालाइज कर लेते हैं। तो बेटा जो फंक्शन आया है इसमें कितने वेरिएबल हैं और कॉन्स्टेंट कितने, बताओ। देखो बेटा, ए कॉन्स्टेंट को दो भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट। वेरिएबल कौन से हैं? दो, एक तो एन और एक्स। वेरी गुड। एन तो बेटा क्या है, डिस्क्रिएट वेरिएबल, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4। और एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से लेके, इसकी वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन बेटा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से ए, कॉन्टिन्यूस है ना। तो ये तो क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, और ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो ये बेटा किसी क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करता है, ये किसी क्वांटम स्टेट को डिफाइन करता है। अब डिफाइन और डिस्क्राइब में अंतर क्या है, क्या बेटा, डिफाइन और डिस्क्राइब। अब एक काम करो, आप एन की वैल्यू 0 पुट करो, तो इसको आप ऐसे लिखो, मतलब आप ऐसे लिखो, तो जो हमारे पास क्या हो, डिस्क्रिएट वेरिएबल। तो ये फंक्शन दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिएट और कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कौन सा है, एक्स। एक्स को लिखो बेटा ब्रैकेट में कि साई एक्स का फंक्शन है। आपको हो गए, फंक्शन तो इनका भी है, तो उसको ब्रैकेट में क्यों ना लिखा, उसको भी लिखना है, लेकिन उसको लिखो नीचे। नॉर्मली अगर कोई दो पे डिपेंड करता है फंक्शन पे, अगर कोई फंक्शन दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो ब्रैकेट में दोनों लिखते होंगे ना। यहां पर आपने एन कोमा एक्स नहीं लिखा, एक्स अंदर लिखा, एन नीचे लिखा। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह भाई ये होती है कि एन क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। ये एक स्टेट को डिफाइन करने में हेल्प करेगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कबूतर के रहने के एक तरीके को ना बताता। ये भाई इस वन डायमेंशनल पाइप में कबूतर के रहने के एक तरीके को ना बताता, कबूतर के रहने के सभी तरीकों को बताता है। ये बेटा एक क्वांटम सिस्टम है, इसकी बहुत सारी क्या होंगे भाई, बताओ, ऑनलाइन वाले स्टेट्स। तो ये सभी स्टेट्स का क्या है, एक्सप्रेशन। तो आप एन की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या आएगा, साई 0। क्या आएगा, साई 0। क्या आएगा बताओ, ये रूट 2 बाई ए साइन 0 पाई एक्स बाई ए। फिर 1 पुट करो, बताओ क्या हो जाएगा, रूट 2 बाई ए साइन 1 पाई एक्स बटे ए। फिर साई 2 निकाल लो, रूट 2 बाई ए साइन 2 पाई एक्स बटे ए। तो ये बेटा क्या है, कबूतर के रहने का पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, मतलब ये सभी स्टेट्स को करेक्टली बता रहा है। लेकिन ये बेटा स्टेट अलाउड नहीं है, बताओ क्यों, बाउंड्री कंडीशन तो एन की वैल्यू क्या परमिट करती भाई, 0 से ऑनवर्ड। बेटा बाउंड्री कंडीशन एन की वैल्यू क्या परमिट करती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। लेकिन 0 पुट करने पर पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन 0 0 ही हो गया। आपको हो गए, फंक्शन तो बॉक्स के शुरू में और एंड में भी क्या था, 0। बॉक्स के शुरू में एंड में तो सारे ही फंक्शन क्या होंगे,
सब स्टेट्स को पता नहीं फंक्शन जीरो होंगे, लेकिन ये वाला बॉक्स कमिट में भी क्या हो गया, ये तो वह तो बेटा पूरे बॉक्स में क्या कर गया, बाकी फंक्शन क्या होते हैं बॉक्स के शुरू में और एंड में क्या होते हैं जीरो, लेकिन एक्स बराबर जीरो एन बराबर जीरो पुट करने पर ये पूरा फंक्शन ही क्या हो गया जीरो हो गया ना। मतलब साइज जीरो स्टेट बाउंड्री कंडीशन तो परमिट करती है लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्यों बेटा पूरे बॉक्स में फंक्शन क्या हो गया कोलैप्स कर गया। जैसे बॉक्स के बाहर फंक्शन जीरो था तो कबूतर बॉक्स के बाहर नहीं रहा करता ना, तो साइज जीरो स्टेट में पूरे बॉक्स के अंदर फंक्शन क्या होगा, तो साइज जीरो स्टेट नहीं होगी। तो पहली क्वांटम स्टेट कौन सी बनी बताओ, वन के साथ, तो इसीलिए भाई आप क्या बोलोगे बेटा बताओ, तो बताओ, तो पहला एक्सप्रेशन क्या हो गया, तो कबूतर के रहने का पहला तरीका कैसे आएगा, रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स बटे ए, ये क्या है कबूतर के एग्जिस्ट करने का पहला तरीका, पहला लाइफ स्टाइल, पहली स्टेट, रूट टू बाई ए साइन टू पाई एक्स बाई ए। अब बेटा हरेक में एक्स है ना, वो उस स्टेट को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा, ये बात आपको पहले पड़ी, रूट टू बाई ए साइन एक पाई एक्स बटा ए, ये साई वन आ गया ना, ये क्या आ गई पहली स्टेट। अब इसे ग्राफ में आपने क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ फंक्शन की वैल्यू आती जाएगी, नहीं आना आपको समझ, आसान है मुश्किल है, वेरी गुड। तो बेटा इस तरीके से तो हम क्या निकाल लेते हैं, कबूतर रहने का पहला तरीका, तो ये जो n, तो n की वैल्यू कहाँ से यूज करनी है, वन से, तो वन टू थ्री फोर फाइव पुट करो, तो साई वन क्या हो जाएगा कबूतर रहने का पहला तरीका, साई टू क्या हो जाएगा, समझ गए बात, तो एक स्टेट को डिफाइन करने में कौन हेल्प करता है, n, n की वैल्यू बेटा पुट करते क्या जाएगा एक स्टेट आ जाएगी, और उस फंक्शन में फिर कौन होगा x होगा, फिर x से वो स्टेट क्या होगी डिस्क्राइब, आ गया आपको, तो बताओ कौन कौन से, तो कबूतर रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है ये इस कबूतर के इस पाइप में रहने के किसी सिर्फ एक तरीके के लिए है कि सभी तरीकों का कलेक्टिव एक्सप्रेशन है, तो साई वन क्या हो जाएगा एक, साई टू साई थ्री साई फोर साई फाइव साई सिक्स, और सभी एक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनको आपको आपको आगे सिखाएंगे, आ गया आपको, तो आपको फंक्शन वैल्यू मिल गया। मैंने ये तो बोला था कि हैमिल्टन बेटा क्या करता है, वेव फंक्शन के सिंबल पे लग जाता है और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी के एनर्जी की वैल्यू देगा और साथ में क्या देगा फंक्शन, फंक्शन ही आ गया, इस फंक्शन में बेटा दूसरे ऑपरेटर लगा लगा के उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन लेकिन आप कहोगे एनर्जी तो आई नहीं भाई, हमने क्या प्रॉमिस किया था बताओ बेटा, हमने क्या बोला था कि हैमिल्टन लगाने पर क्या आएगा, और वेव फंक्शन भी, वेव फंक्शन आ गया ठीक है, एनर्जी आ गई, अभी नहीं आई है, आ रखी है, चेक करो, के स्क्वेयर बेटा आप क्या मान के चले थे, ओके वेरी गुड, और के क्या मान के चले, के क्या आया था आपके पास, तो आप खुद कह रहे हो कि के स्क्वेयर क्या होता है 8 पाई स्क्वेयर एम ई बाई एच स्क्वेयर, ये होता है ना, और बेटा के क्या है बताओ एन पाई बाई ए, तो यहां से के स्क्वेयर क्या बनेगा, अब बेटा ये भी के स्क्वेयर और ये भी के स्क्वेयर, क्या दोनों इक्वल पुट कर सकते हैं क्या बेटा, ये भी के स्क्वेयर और ये भी के स्क्वेयर दोनों इक्वल पुट कर दो, क्या दिक्कत है, ई के अलावा हर चीज वहां फेंको, काटो इसको, क्या आ गया ये पाई स्क्वेयर, क्या आ गया ई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एट एम ए स्क्वेयर, तो बेटा एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एन के ऊपर, एन की वैल्यू क्या पुट करो यहां पर, तो इसको बोलो ई एन, क्या बोलो इसको, यानी कि एन सबस्क्रिप्ट यहां भी लगाओ स्टेट डिफाइन करने के लिए, और एनर्जी में क्या लगाओ एन सबस्क्रिप्ट, ताकि एनर्जी पता लग जाए कौन सी स्टेट की है, तो एक पुट किया तो क्या जाएगा एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर, दो पुट किया चार एच स्क्वेयर एट एम ए स्क्वेयर, तीसरी स्टेट क्या होगी नाइन एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर, कुछ बेटा आपको पहले पड़ेगी, तो फंक्शन भी आ गया मेरे पास, एनर्जी भी आ गई। अब आपको हो गया भाई, अब इसके बाद बेटा आपने इन स्टेट्स को नहीं है विजुअलाइज करना है, पहले तो ये सारा आपको आ गया, पक्का पहले पड़ गया, वेरी गुड, चलो ठीक मान लिया ये बच्चा सही बोल रहा है, ओके
अब बेटा ये बताओ आप मुझे, फंक्शन आ गया, वेरी गुड, एनर्जी कितनी आई थी मेरे पास, सॉरी एनर्जी क्या आई थी बेटा, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8ma2। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, फंक्शन भी आ गया और एनर्जी भी आ गई ना। अब बेटा बताओ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अब आपके पास फंक्शन आ गया ना, क्या आपके पास कबूतर के इस पाइप में रहने के तरीकों को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, सॉरी सभी स्टेट्स को बताने वाला एक्सप्रेशन आ गया ना, और सभी क्या गई एनर्जी। अब आपने बेटा देखना है कि वो स्टेट्स, उनको आप विजुअलाइज कैसे करोगे, क्या विजुअलाइज उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैं आपको बेटा एक दो स्टेट का मैं आपको रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा, बाकी फिर आप इसको समझ जाइए, ठीक है बात। अच्छा ग्राफ, ग्राफ बेटा मैं यहां पर दो तरह की पुट करूंगा, एक तो लाइन वाले ग्राफ और एक स्मोक वाले ग्राफ, स्मोक वाले ग्राफ ज्यादा रियलिस्टिक होंगे, ग्राफ बेटा वही है। अच्छा तो जो बेटा आपको ग्राफ प्लॉट करने पड़ते थे छोटी क्लासेस में, तो एक तो पाई चार्ट आया करते, एक कॉलम चार्ट आया करते, इन्फॉर्मेशन तो वही आया करती। तो सिमिलरली बेटा कोई ग्राफ प्लॉट करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, ठीक है बात। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो आप पहली स्टेट को विजुलाइज करो, पहले बताओ पहली स्टेट की एनर्जी क्या होगी हमारे पास, बताओ बाई 8ma2। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि कबूतर एच स्क्वेयर बाई 8ma2 एनर्जी क्रिएट करने के लिए उस पाइप में क्या करे, ये वो पाइप है, ठीक है। अगर ये बेटा कबूतर क्लासिकल है तो ये एक टाइम पे एक जगह होगा ना, इसकी प्रॉपर्टी कैसे आएंगी, सिंपल फॉर्मूलों से, मास इनटू वेलोसिटी फलाना ढिमकाना, आसान है ना बिल्कुल भाई। लेकिन अगर मैंने ऐसे किया, चलो भाई बात मान लो, इसके रहने का पहला तरीका कौन सा होगा, अगर क्वांटम वर्ल्ड में पहुंच जाए और मैं ये कहूं कि ये कबूतर एकदम से कहां पहुंच गया क्वांटम वर्ल्ड में, तो क्वांटम वर्ल्ड में इसके रहने के पहले तरीके को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, बताओ क्या लिखूं यहां पर, वेरी गुड, साई वन इज इक्वल टू रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स बटा ए। बेटा कैलकुलेटर ऑन करो, कैलकुलेटर शाबाश साइंटिफिक, ठीक है ना, ओके। अच्छा ये बताओ ये बेटा ग्राफ आ गया, ये सॉरी ये फंक्शन आ गया ना, आप खुद कह रहे हो कि भाई कबूतर के इस पाइप में रहने के पहले तरीके को बताने वाला फंक्शन ये होगा, ठीक है। तो पहले बेटा मैं लाइन ग्राफ प्लॉट करता हूँ, लाइन ग्राफ मतलब पाइप मैंने, ये तो क्या बताओ, ये बेटा इस फंक्शन का ग्राफ है, जैसे नहीं वाई और एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है बेटा प्लस एक्स, ये है माइनस एक्स, ये प्लस साई, ये माइनस साई, ओके ठीक है। दसवीं क्लास पढ़ी होगी आपने, शाबाश, दसवीं क्लास में आपने ऐसे टेबल बनाई होगी, जीरो और साई वन, सॉरी सॉरी एक्स और साई वन। बेटा आप एक्स की वैल्यू भाई हम पुट करते जाया करते दसवीं क्लास में, और वाई की वैल्यू हमारे पास आती चली जाया करती, इजंट इट। तो सिमिलरली आप ये बताओ, अगर आप बेटा ये पहली स्टेट आपने डिफाइन कर दी है, अब इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, एक्स की वैल्यू पुट कर जाओ, एक्स बराबर जीरो साइन जीरो जीरो, बॉक्स के शुरू में फंक्शन कितना होता है जीरो, एक्स की वैल्यू बेटा नहीं बॉक्स के वन फोर्थ में ए बाई फोर, कहां पहुंचो जीरो, ए बेटा जीरो है और ये ए है, जीरो से ए बाई फोर, ए बाई फोर पहुंचो, ए बाई फोर पाई बाई फोर कितना होता है 45, साइन 45 वन बाई टू, बेटा सोल्व करो, एक को भाग करो 1.44 से, क्या हाँ चलो अरे अरे ठीक है सॉरी बेटा, तो ए बाई फोर पे ये हो गया 1/√2 हो गया, ये क्या 1/a आ गया 1/√a। अब बेटा a भी एक नंबर है, तो मैं नंबर पुट कर रहा हूँ, नंबर आ रहा है ध्यान से देखो, a एक नंबर होता होगा, तो नंबर पुट कर रहा हूँ नंबर आता है, नहीं रखो। अब बेटा बॉक्स का मिड, बॉक्स का मिड तो यहां पर कितना आया, इतना आ गया पहला पॉइंट यहां पहले, तो
अब बॉक्स का मीटर a बाई टू कितना आएगा, a बाई टू पाई बाई टू बेटा, a बाई टू a से कैंसिल, पाई बाई टू साइन 91 रूट टू बाई ए, इससे बड़ा नंबर नहीं है। फिर आगे जाओ, फिर 3a बाई फोर फिर से क्या आएगा, 1 बाई रूट ए। फिर बॉक्स का एंड, मैंने इस बॉक्स में पांच अलग अलग जगह पे क्या मालूम कर लिया, फंक्शन मैंने बेटा यहां पर क्या पुट किया, एक्स की वैल्यू 0, ए बाई फोर, ए बाई टू, 3a बाई फोर एंड ए, वैल्यू आई फिर से क्या आ गई 0। अब बेटा ग्राफ पुट करना आता है, एक्स बराबर 0 फंक्शन 0, एक्स बराबर दिस 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 दिस, बेटा कैसा ग्राफ आया, फंक्शन बॉक्स के शुरू में क्या है 0, बॉक्स के एंड में क्या है 0। पहले फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है लाइन ग्राफ पे, फिर फंक्शन की वैल्यू घटती है। बेटा अगर इस लाइन पे आप आगे चलते हो तो आप पाइप में आगे ट्रेवल कर रहे हो। बेटा इस लाइन पे कोई पॉइंट होता है, उसकी विड्थ तो क्या बताती है, एक्स की वैल्यू, और हाइट क्या बताती है, फंक्शन की वैल्यू। ये तो होगा नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो फंक्शन बॉक्स के शुरू में क्या है, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0 आ गया ना, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, अब मैं कहूँ इसका स्मोक ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ इसका स्मोक ग्राफ, तो स्मोक ग्राफ में ये कहूँगा कि आप बेटा फंक्शन की स्ट्रेंथ को इस लाइन की हाइट से नहीं, ब्लू स्मोक से शो कर दो। जैसे फंक्शन यहां पर ज्यादा है, बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या है ज्यादा, तो लाइन ऊंची है, बॉक्स के मिड में आप डेंस ब्लू स्मोक भर दो ज्यादा फंक्शन के लिए। नहीं बता आपको पड़ी बेटा, लाइन ग्राफ में लाइन ऊपर हो ना तो प्लस नंबर, नीचे हो तो नेगेटिव फंक्शन, ये तो होता होगा नहीं आपको सुने। और ज्यादा हाइट फंक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा, कम हाइट फंक्शन का मैग्नीट्यूड कम, ठीक है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि आप बेटा स्मोक से शो कर दे इसको, बॉक्स के शुरू में स्मोक कितना है, सॉरी बॉक्स के शुरू में फंक्शन कितना है 0, फिर फंक्शन बढ़ता बढ़ता क्या होता है मैक्सिम, घटता घटता क्या हो 0। तुम इसको ऐसे भर दूं तो एक शीशे की पाइप है, शीशे का एक पाइप, यहां बेटा स्मोक क्या रखूं मैं 0, ब्लू स्मोक 0, क्यों, क्योंकि फंक्शन एक्स बराबर 0 पे फंक्शन क्या है 0, तो ब्लू स्मोक 0, ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, ब्लू स्मोक घटता घटता 0। तो जैसे यहां पर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कौन शो कर रहा है, लाइन की हाइट, यहां पर अब फंक्शन का मैग्नीट्यूड कौन शो कर रहा है, स्मोक की डेंसिटी, तो नहीं ना आपको। लेकिन ये बेटा फंक्शन इसको पाइप में फिट करना, इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल था, ये वाला जो ग्राफ है ये पाइप के अंदर विजुलाइज होता बाकायदा, नहीं आपको समझ में, लाइन वाले ग्राफ पे फंक्शन बढ़ता गया फंक्शन घटता गया। तो यहां पर क्या करो, ब्लू स्मोक 0, ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0, तो ये बात भी हो गया क्योंकि मैं ब्लू स्मोक को ही क्या मान रहा हूं फंक्शन। तो बेटा फंक्शन सबसे ज्यादा कहां है, बॉक्स के मिड में, और 0 कहां है, एंड्स पे। तो ब्लू स्मोक कहां रखो मैक्सिमम, बॉक्स के मिड में, एंड पे क्या रखो भाई 0 रखो। तो बेटा ये मेरे पास पहली स्टेट, तो ये तो क्या, तो यहां पर दोनों के दोनों मैंने रिप्रेजेंटेशन शो कर रखे। ये तो बताओ क्या बेटा, लाइन वाला ग्राफ, और ये वाला बताओ क्या है, स्मोक वाला ग्राफ। यहां पर जैसे यहां पर देखो फंक्शन ज्यादा है तो लाइन की हाइट ज्यादा है, फंक्शन ज्यादा है स्मोक की डेंसिटी ज्यादा है, बात आपको पहले पड़ी नहीं यार आपको ये। तो बेटा पहली स्टेट आ गई, मतलब आप ये मानो कि कबूतर था, वो एक टाइम पे एक जगह था ना, हमने ऐसे किया कबूतर गायब हो गया और एक ब्लू कलर का स्मोक भर गया पूरे पाइप के अंदर, वो स्मोक डेंस कहाँ है, सेंटर पे, और हल्का पड़ता गया एंड तक। तो इसका वेव लाइक बिहेवियर है। अब आपको तो पहले पड़ा कि पार्टिकल वेव लाइक बिहेवियर कैसे करता है, क्योंकि स्मोक क्या है कॉन्टिन्यूस, स्मोक क्या है सिंगल वैल्यूड, और स्मोक की डेंसिटी हर जगह क्या है फाइनाइट, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मोक इज वेव लाइक, बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ तो पहली स्टेट आपको विजुलाइज करनी आ गई कि नहीं आया, अच्छा काम करो बेटा। तो ब्लू, अगर मैं ये कहूं मैं कि भाई अब स्मोक का मैं स्क्वेयर कर दूं, तो ये तो साई बना ग्राफ आया ना मेरे पास,
मैं साई वन स्क्वेयर प्लॉट करूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ब्लू स्मोक क्या बन जाएगा, वाइट स्मोक। तो सेंटर पे ब्लू स्मोक क्या है, बड़ा नंबर, तो बड़े नंबर स्क्वेयर भी क्या आएगा, बड़ा नंबर। तो स्क्वेयर्ड नंबर को आप वाइट स्मोक से शो करो तो पाइप में सेंटर में क्या होगा, वाइट स्मोक डेंस, वाइट स्मोक हल्का पड़ता पड़ता जीरो। नहीं बटको ओके, अब बोलो साई टू क्या होगा, साई टू। अब इसको ध्यान से समझो इस चीज को, और ऐसे रहने से यानी एकदम से, तो क्लासिकल वर्ल्ड में वो कबूतर बेटा एक टाइम पे जगह था ना, हमने ऐसे किया, वो कहाँ पहुँच गया क्वांटम वर्ल्ड में, उस कबूतरा क्या बन के भाई, धुआं बन के पूरे पाइप में फैल गया, वो धुआं सेंटर पे क्या डेंस हल्का पड़ता गया एंड तक। उसके ऐसे रहने से एनर्जी कितनी बनती है, एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर। नहीं मैं तो आपको आपको पले पड़ रही क्या, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अब यहाँ पर दो पुट करें तो क्या हो जाएगा, फोर एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर। उसके लिए कहीं ऊपर जाना पड़ता है, बच्चे सोचते हैं कि साई वन की एनर्जी क्या है, एक यूनिट, और साई टू क्या है, चार यूनिट। आप बेटा एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर को यूनिट मान लो, तो साई वन की एनर्जी क्या होगी, एक यूनिट, साई टू क्या होगी, चार यूनिट। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई पार्टिकल कहीं ऊपर पहुंच जाता है, नहीं, पार्टिकल कहीं ऊपर नहीं पहुंचता। आप एक बारी साई टू का बेटा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें, किसका, साई टू का, पहले साई टू लिखें, साई टू क्या हो जाएगा, रूट टू बाई ए साइन, बेटा रूट टू बाई ए साइन, टू पाई एक्स बाई ए आ गया ना, रूट टू बाई ए साइन टू पाई एक्स बाई ए आ गया। आसान है कि मुश्किल है, अच्छा ये बताओ अब, ठीक है, रूट टू बाई ए साइन टू पाई एक्स बाई ए आ गया। तो बेटा ये बताओ मुझे, आप इसका आप ग्राफ प्लॉट करो, इसका ग्राफ तो क्या, ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करो इसका, बिल्कुल जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते थे, बताओ कैसे। पहले आप बनाओ टेबल, पहले आप क्या बनाओ, टेबल एक्स और साई टू, एक्स बराबर जीरो जीरो, एक्स बराबर ए बाई फोर। अब बेटा ए बाई फोर पुट करियो, ए से ए कैंसल, टू दूनी फोर, पाई बाई टू साइन नाइनटी वन, रूट टू बाई ए। ए बाई टू पुट करो, ए बाई टू, ए बाई टू, ए बाई टू पुट करो, ए से कैंसल, टू से टू कैंसल, साइन पाई जीरो, शाबाश। नहीं आपको, अब यहां पर क्या पुट करो, थ्री ए बाई फोर माइनस वन आएगा, क्या आएगा, थ्री ए बाई फोर पे क्या आएगा, माइनस रूट टू बाई ए। अब बेटा बॉक्स कैंड में क्या आएगा, जीरो। नंबर पुट किए हैं, नंबर आए हैं। नहीं आपको, कागज वाला ग्राफ, कागज वाला ग्राफ बनाओ पहले, जीरो से ए, बॉक्स के शुरू में फंक्शन जीरो, बॉक्स के वन फोर्थ बेटा प्लस रूट टू बाई ए, बॉक्स के मिड में माइनस रूट जीरो। ये ग्राफ नहीं आया क्या, मतलब बॉक्स के मिड में तो फंक्शन क्या है, जीरो, और बॉक्स की साइड फंक्शन क्या बेटा, पहले प्लस का, पहले के फंक्शन क्या है, जीरो, फिर फंक्शन प्लस में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम बॉक्स के वन फोर्थ तक, फिर बॉक्स के एंड तक फंक्शन घटता घटता जीरो, फिर बॉक्स के थ्री फोर्थ तक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और फिर घटता घटता जीरो बॉक्स के एंड तक, इजंट इट। अब इसका आप एक बारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, इस लाइन से नहीं, फंक्शन को बेटा लाइन से नहीं, स्मोक से शो करो तो क्या होगा बताओ। एक पाइप है, यहां पर ब्लू स्मोक क्या है, जीरो, ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता जीरो, रेड स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता जीरो। ये आपको बेटा, तो ऐसे दो रंग का बादल नहीं भर जाएगा क्या बेटा, इसका साई टू का, साई टू का बेटा ये तो क्या है, लाइन ग्राफ, और ये क्या बताओ, साई टू का पिक्टोरियल ग्राफ, यानी इस साइड क्या है पॉजिटिव फंक्शन, इस साइड क्या है नेगेटिव फंक्शन। एक काम करो बेटा, इन दोनों फंक्शंस के स्क्वेयर करो। अगर मैं अब क्या, मैं क्या करूं भाई, मैं ब्लू नंबर्स के भी और रेड नंबर्स में स्क्वेयर करूं भाई, उनको शो करूं वाइट नंबर से, तो स्क्वेयर सबसे, तो ब्लू स्मोक और रेड स्मोक ज्यादा कहां पर है, वन फोर्थ और थ्री फोर्थ पे, बोलो भाई, तो स्क्वेयर भी ज्यादा कहां पर आएंगे, तो अब क्या बताओ, वाइट बादल जीरो, वाइट बादल बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता जीरो बॉक्स के मिड तक। फिर बेटा ये
नेगेटिव फंक्शन हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्क्वेयर तो कहेंगे दोनों के। ये बेटा ग्राफ किसका है? साई टू का। ये किसका है? साई टू स्क्वेयर का। इनको शो किया है मैंने ब्लू रेड स्मोक से, इनको मैंने शो करना है व्हाइट स्मोक से। तो क्या आएगा बताओ? व्हाइट स्मोक जीरो, व्हाइट स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता जीरो, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता जीरो। बात आपको पहले पड़ी? यानी कि अब इसमें एक कट नहीं लग गया बेटा। तो साई वन में बताओ व्हाइट स्मोक क्या था? पूरे बॉक्स में फैला हुआ था। साई टू में व्हाइट स्मोक क्या? पूरे बॉक्स में फैला हुआ है, लेकिन साई टू में सेंटर में स्मोक कितना है? कट, सेंटर में जीरो भाई। यानी वो बादल दो टुकड़ों में कट गया, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? चार यूनिट। यानी एक यूनिट एनर्जी से चार यूनिट एनर्जी बनाने के लिए कबूतर को पाइप छोड़ना नहीं पड़ता। वो कबूतर उसी पाइप में अपना रहने का तरीका बदल लेता है। पहले भी वो पूरे पाइप में रहता था, लेकिन सेंटर पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता था, फिर उसके एग्जिस्ट करने की संभावना कम होती चलेगी बॉक्स के एंड तक। अब वो सेंटर में कभी नहीं आता, और मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करता है? बॉक्स के वन फोर्थ में और थ्री फोर्थ में, एक नोड के साथ। नहीं बेटा आपको ये तो ये बताओ क्या हमारे पास इसका बताओ भाई दूसरा तरीका? तो उसके अंदर चार यूनिट नहीं है आपको? अब मैं आपको बताऊं, अब साई थ्री जो और साई थ्री उसका बेटा ग्राफ ये आएगा। साई थ्री का ग्राफ प्लस माइनस प्लस, तो स्मोक का ग्राफ क्या आएगा बताओ? ब्लू फंक्शन जीरो, मैक्सिम जीरो, रेड मैक्सिम रेड जीरो, ब्लू मैक्सिम ब्लू जीरो। तीन टुकड़े कट गए ना? नहीं आपको? तो नौ यूनिट एनर्जी बनाने के लिए क्या होगा बताओ? नौ, तो ये भी क्या हो जाएगा? व्हाइट स्मोक, व्हाइट स्मोक, व्हाइट स्मोक ना स्क्वेयर करने पर। तो बादल कितने टुकड़े में कट जाएगा? तीन टुकड़ों में। तो अगर बादल एक टुकड़े में है तो एक यूनिट, दो टुकड़ों में कट जाए चार यूनिट, तीन टुकड़ों में कट जाए चार टुकड़ों में कट जाए सोलह यूनिट। नहीं आपको बेटा? क्योंकि ये बताओ ग्राफ किसका है बताओ? अभी ग्राफ दे रखे, ये बताओ ग्राफ किसका है? साई वन का। ये ग्राफ किसका है बताओ? साई टू का, साई टू का। ये बताओ ग्राफ किसका है? साई थ्री, साई थ्री। ये बताओ ग्राफ किसका है? साई फोर, साई फोर। नहीं आपको समझे? आ गया ना आपको? और इनके स्क्वेयर करने पर आपको पता है ही। अच्छा आपको बेटा यहां से कुछ आपको कुछ पैटर्न देखने को मिला है? साई जीरो में कितनी नोड बताओ? नोड बताओ यहां पर। साई जीरो में नोड कितनी है? पिक्टोरियल। अब आपने फंक्शन को देख लिया है, आप इसके अंदर नोड देख, नोड नोड क्या होते हैं बताओ? जब फंक्शन अपना साइन चेंज करे। क्या? जब बेटा फंक्शन साइन चेंज करे उसको बोलते हैं नोड। तो यहां पर कौन नोड है? साई वन में, साई टू में, शाबाश, साई टू में, सॉरी साई थ्री में, साई फोर में, तीन। तो यहां से आपको पता लग गया नंबर ऑफ नोड क्या है साई एन में। तो हम बोलेंगे साई एन में एन माइनस वन क्या है? नोड्स। तो हम क्या बोलेंगे? साई एन में क्या है? एन माइनस वन नोड्स है। और क्या पता लगा आपको बेटा? और फंक्शन देख के आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही बताओ? सिमेट्री की, फंक्शन की। क्या फंक्शन? जीराडे की। नाम सुना कभी जीराडे? जीराडे का कोई बात नहीं। एक होता बेटा सिमेट्रिक फंक्शन, एक होता भाई एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन वो होता है अगर आप सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में चलो और आपको फंक्शन का एक सा साइन और एक सा मैग्नीट्यूड देखने को मिले तो क्या होता है? सिमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको उल्टा साइन देखने को मिले तो क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। तो आप ये बताओ मेरे पास साई वन का लाइन ग्राफ क्या आया था? ये आया था ना। तो बॉक्स के मिड में क्या है? पॉजिटिव। क्या बेटा? पॉजिटिव। इस साइड गए बराबर पॉजिटिव, बराबर पॉजिटिव, बराबर पॉजिटिव। बेटा सेंटर से दो दिशाओं में चलो अपोजिट दिशाओं में फंक्शन क्या रहता है? बराबर पॉजिटिव। तो साई वन क्या है? सिमेट्रिक। नहीं क्या? लेकिन बेटा जो साई टू क्या था? साई टू, साई टू ये था ना बॉक्स के मिड में क्या था? जीरो। इस साइड क्या है? पॉजिटिव। इस साइड क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या है? एंटीसिमेट्रिक। बेटा आप इसको देखो, आप बताओ सेंटर से यहां चली हो, इस साइड तो क्या है? पॉजिटिव। इस साइड क्या? नेगेटिव। ये क्या है? एंटीसिमेट्रिक। फिर बताओ, फिर ये देखो, ये देखो, ये चलो सिमेट्रिक, सॉरी यहां से चलो रेड 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 रेड,
जीरो जीरो, ब्लू ब्लू, बराबर तुलना है, तो ये क्या है सिमेट्रिक। तो हम क्या बोलेंगे, साई ओड वाले सारे क्या है सिमेट्रिक। तो साई ओड बेटा क्या आ गए सिमेट्रिक, और साई इवन क्या आ गए हमारे एंटी सिमेट्रिक। और ध्यान रखियो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक को जीरा डे अनजीरा डे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जीरा डे और अनजीरा डे, और इनको जीरा डे को बेटा इवन पैरिटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इवन पैरिटी, क्या बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते, ध्यान रखियो साई ओड नंबर, ओड नंबर वाला साई सिमेट्रिक है, जीरा डे है, या क्या बोलो आप इसको इवन पैरिटी। अजीब लग रहा होगा आपको, ये है तो ये ओड लेकिन पैरिटी कैसी इसकी, क्योंकि बेटा वो सिमेट्रिक का नाम होता है इवन पैरिटी, नहीं आ रहा आपको। तो पिक्टोरियल एनालिसिस करना आ गया आपको इसका, नहीं आया, पक्का आ गया। अच्छा कई बार बेटा ये पूछ लेते हैं मिनिमा, आपसे क्या पूछ लेंगे, बताओ फंक्शन में मिनिमा कहाँ है, तो बताओ साई वन में कितने मिनिमा है, एक भी नहीं है, साई टू में कितने मिनिमा है, एक, ये रहा, और एक क्या बताओ मैक्सिमा, और दो बेटा साई थ्री में कितने मिनिमा है, एक मिनिमा दो मैक्सिमा, साई फोर बेटा शाबाश। और इनकी पोजीशन भी आप चेक कर सकते हो, कोई आपसे पूछ ले ये मिनिमा कहाँ होगा थ्री फोर्थ पे, ये मैक्सिमा कहाँ होगा वन फोर्थ पे, नहीं आ रहा आपको ये। साई वन में क्या होगा एक मैक्सिमा, वो कहाँ पर होगा बताओ, ए बाई टू, शाबाश बेटा। तो विजुअल इंस्पेक्शन से पता लग रहा है हमको हम क्या करें इसके अंदर, नहीं आना आपको ये, ठीक है वेरी गुड। अब बेटा बताओ एनर्जी लेवल डायग्राम क्या, अब आपने पढ़ना है एनर्जी लेवल डायग्राम, कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है इसका, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का, ठीक है। इसका बेटा फंक्शन क्या था बताइए, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ई एन क्या था, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर आया था ना, ठीक है। तो बेटा पहली स्टेट कौन सी होगी, साइबल होगी ना, तो एन क्यू इलेवन पुट करियो एनर्जी क्या आएगी मेरे पास, एक काम करो आप एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर को आप यूनिट मान लो, तो बेटा पहली एनर्जी क्या आएगी मेरे पास, एक यूनिट, शाबाश। अगली क्या आएगी, चार यूनिट, अगली क्या आएगी, नौ यूनिट, अगली क्या आएगी, सोलह यूनिट, यहाँ पर भाई एक दो तीन चार पुट करो। तो बेटा जो लेवल है इन ये क्या है, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, कुल स्पेस दे डाइवर्जिंग। और कोई आपसे पूछ ले कि बताओ पहला बैंड कितने एनर्जी पे आएगा, बताओ चार यूनिट माइनस सेकंड कितना होता है, तो बेटा ग्राउंड स्टेट में और फास्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना एनर्जी गैप होता है बेटा, तीन यूनिट बेटा, फोर यूनिट, एक यूनिट, फिर नहीं यार आपको ये। और इनको विजुलाइज कैसे करते हो, जब यहां से यहां पहुंचते हैं तो क्या पार्टिकल कहीं ऊपर भाग जाता है, नहीं, जब कबूतर में तो क्या था पूरे पाइप को ऑक्यूपाई किए हुए था, लेकिन सेंटर में क्लाउड क्या मैक्सिमम हल्का पड़ता गया, ऐसे रहता है। और जब वो एकदम से सेंटर पे आना क्या कर दे, बंद कर दे, और मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करे, वन फोर्थ और थ्री फोर्थ, यानी कि वो बादल बेटा दो टुकड़ों में कट जाए तब उसकी एनर्जी क्या आएगी, चार यूनिट, तीन टुकड़ों में कट जाए। तो देखो आप इसको विजुलाइज करो, आप ट्रांजिशन को विजुलाइज करो, क्लासिकल वर्ल्ड से क्वांटम वर्ल्ड में जाओ, एक पाइप है उसमें कबूतर है, एक टाइम पे एक जगह है, क्लासिकल वर्ल्ड, ठीक है। नहीं आपको बेटा ऐसे किया, साइवन में पहुंच गया, बादल भर दो इसमें एक, ऐसे किया बादल सेंटर से काट दो भाई, दो टुकड़ों में कट गया, चार यूनिट, ऐसे करो तीन टुकड़े काट दो, नाइन यूनिट एनर्जी, नाइन यूनिट के लिए इसको तीन टुकड़ों में कट के रहना पड़ता है, नहीं आपको रहेगा पूरे बॉक्स के अंदर ही, ओके शाबाश, एनर्जी आ गया आपको ये। अब बेटा बताओ क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पहला बताओ क्या है, जीरो पॉइंट एनर्जी। अच्छा बेटा जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो पॉइंट एनर्जी, क्या होती है, मिनिमम एनर्जी। अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाए, अगर बेटा सबसे पहली स्टेट की एनर्जी क्या हो जाए भाई, नॉन जीरो, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो यहां पर जो फंक्शन था हमारे पास उसमें एन की वैल्यू, फंक्शन क्या था मेरे पास, साई एन क्या था,
रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए था ना, तो एन जीरो पुट करने पर तो फंक्शन खत्म हो गया था। तो पहली स्टेट कौन सी बनती है, एन बराबर है वन से बनते हुए साई वन, तो पहली स्टेट के अंदर क्या मेरे पास एच स्क्वेयर बाई एट एम स्क्वेयर। तो भाई पहली स्टेट की एनर्जी यहां पर जीरो होगी, नॉन जीरो है तो क्या कहलाएगी, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो यही एनर्जी क्या है इसकी, जीरो पॉइंट एनर्जी आ गया। ठीक है अब बेटा बताओ, और इसको क्रिएट कैसे करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कैसे होती क्रिएट, ये कबूतर को कैसे रहना पड़ता है, सेंटर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें फिर उसके एग्जिस्ट करने की संभावना कम होती चली जाए। ठीक है बात, फिर क्या है दूसरा बेटा हमारे पास, हमने क्या ऑब्जर्व किया है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी लेवल कैसे है बताओ क्वांटाइज्ड, कोई भी एनर्जी अलाउड नहीं है, या तो एक यूनिट है या चार यूनिट या यूनिट नौ यूनिट या भाई 16 यूनिट, इजंट इट। और बताओ नहीं आपको, ओके अच्छा तो अब नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, बेटा डेली लाइफ में ये पार्टिकल है क्या, ट्रांसलेशनल मोशन, कबूतर की ट्रांसलेशन मोशन नहीं क्या एक्स डायरेक्शन में, लेकिन आपको डेली लाइफ में फिर हमारी एनर्जीज क्यों नहीं होती क्वांटाइज्ड, हम भी तो ट्रांसलेशनल मोशन में, हम तो एक दिशा में मूव कर सकते हैं, उसकी वजह क्या होती है, अगर बेटा मास बहुत ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी बहुत, अगर एनर्जी बहुत कम होगी तो एनर्जी लेवल्स भी क्या हो जाएंगे, एनर्जी गैप भी बहुत कम होगी ना, तो लेवल्स क्या हो जाएंगे कॉन्टिन्यूस, लेवल क्या हो जाएंगे, या फिर अगर वॉल ऑफ द बॉक्स हटा दें, अगर हम बॉक्स की वॉल क्या करें हटा दें, तो ए क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी क्या हो जाएंगी बहुत कम हो जाएंगी, बात आपको पहले पड़ गई, तो एनर्जी बहुत कम हो जाएंगी तो उनमें गैप भी क्या हो जाएंगे बहुत कम, तो सारे लेवल क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्टिन्यूस, अरे बिल्कुल चिपक जाएंगे, आ गया ना आपको ये। ठीक है और बताओ, और क्या है बॉक्स लेंथ एंड वेव फंक्शन एट दी वॉल्स, क्या फिर बेटा क्या है बॉक्स लेंथ एंड वेव फंक्शन एट दी वॉल्स। अब आपने देखना है कि बॉक्स की लेंथ में और वेव फंक्शन में क्या कोरिलेशन है, बॉक्स की लेंथ में और बेटा वेव फंक्शन में क्या कोरिलेशन है, आपने ये पता करना है। ठीक है तो ये बताओ कैसे मालूम किया जाए, एक काम करो बहुत सिंपल है, आप बताओ एनर्जी मेरे पास क्या आई थी, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई ए टाइम ए स्क्वेयर आई थी ना, ये बेटा ओके। अब आप मुझे बताओ कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल कितना था, जीरो, बेटा बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या था, तो ये सारे के सारे एनर्जी क्या होनी चाहिए उसकी, काइनेटिक, क्या होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का असली फॉर्मूला क्या होता है जो हम पढ़ते, वेरी गुड, हाफ एम वी स्क्वेयर, इसको बेटा एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करियो, ये आ गया ना एम वी, क्या होता है पी, पी स्क्वेयर बाई टू एम हो गया, क्या नहीं आया, अब पी क्या, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी, लैम्डा क्या होता है, तो पी क्या होता है लैम्डा, वेरी गुड, तो बेटा पी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, शाबाश, तो एच स्क्वेयर बाई, अरे हाँ लैम्डा स्क्वेयर टू एम, तो ये बेटा बताओ, ये बेटा बताओ क्या है काइनेटिक एनर्जी, रे भी क्या काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर सकता हूँ क्या, क्या नहीं, इक्वल पुट करेंगे भाई आप एच स्क्वेयर बाई लैम्डा स्क्वेयर टू एम, तो एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर क्या हो गया कैंसल, है एम से एम क्या हो गया कैंसल, और टू से फोर पे गया, है ना, तो बेटा यहां बताओ क्या बच गया एन स्क्वेयर बाई फोर ए स्क्वेयर, वहां क्या आ गया वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया ना, क्यों बेटा आपको, अब बेटा काम करो आप ए स्क्वायर को वहां फेंक दो, लैम्डा स्क्वायर को यहां फेंक दो, नहीं आपको लैम्डा स्क्वायर को यहां फेंक दो,
ए स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, एन स्क्वायर बाय फोर लैम्डा स्क्वायर, तो बेटा ए क्या आ गया बताओ, ये क्या हो गया एन इंटू लैम्डा बाई टू, एन इंटू लैम्डा बाई टू, जहां पर एन क्या होता है एक दो तीन चार पांच, यानी फंक्शन और बॉक्स लेंथ में क्या होगा बताइए, यानी बॉक्स की लेंथ हमेशा क्या, बॉक्स की लेंथ में हमेशा कितना फंक्शन आएगा, या तो आधी वेव या आधी आधी दो वेव या आधी आधी तीन वेव या आधी आधी चार वेव, और ये बात बेटा सही भी तो थी, तो पहली स्टेट का फंक्शन क्या था आधी वेव, फिर क्या था आधी आधी दो वेव, आधी आधी तीन वेव, आधी आधी चार वेव, ये आपको नहीं आपको समझ, तो किसी स्टेट का लैम्डा बाई टू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमेशा किसके बराबर, एन के बराबर, ए के बराबर, तो ए क्या आ गया, ये बेटा क्या आ गया एन लैम्डा बाई टू, आसान है कि मुश्किल है, शाबाश बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, ओके। फिर बेटा क्या है वेव डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी, क्या अब ये बेटा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हमारी इसको फटाफट सीख लो बस, ठीक है। वेव डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी, देखो आपने बेटा फंक्शन का स्क्वायर कर देना है, ठीक है बात, और क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट है तो आपने देखो आप ही तो पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आया करता ब्लू फंक्शन आया करता ना, मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्लैक स्मोक से शो कर दिए, क्योंकि बेटा यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है वाइट है, तो यहाँ पर ब्लू स्मोक मैक्सिमम था हल्का पड़ता, तो स्क्वायर क्या कर दो रेड ब्लैक स्मोक से, आगे समझ आपको। लेकिन बेटा प्रोबेबिलिटी निकालने के कई तरीके होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी निकालने के होते हैं कई तरीके होते हैं, मोस्टली तरीकों में आपने कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है बात। अच्छा कोई आपसे पूछे पहले आप बताओ, मैं अगर ये कहूँ साई वाला ग्राफ बताओ क्या है, साई वाला ग्राफ ये होता होगा ना, साई वाला ग्राफ बेटा ये होता है, साई वन स्क्वायर ग्राफ भी क्या होता है, ये होता होगा ना कि नहीं होता, ये बेटा क्या ग्राफ मान लिया साई वन स्क्वायर का जीरो से ए ग्राफ है ये, तो ये सारा एरिया क्या होगा बताओ वन, तो यहां से यहां तक साई वन, यहां से यहां तक साई वन स्क्वायर क्या बताएगा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी वन होगी ना बेटा ये, तो कोई आपसे पूछ ले कि ग्राउंड स्टेट में जीरो से ए कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, हाफ भाई बेटा, जीरो से कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी ए बाई टू, सॉरी वन बाई टू, और यहां से यहां कितनी आएगी वन बाई टू, बेटा अगर पार्टिकल के मिलने की संभावना यहां से यहां तक एक, तो यहां से यहां तक कितनी होगी और यहां से कितनी होगी वन बाई टू, नहीं है आपको। सिमिलरली कोई आपको बोल दे कि पार्टिकल दूसरी स्टेट में है, दूसरी स्टेट का वेव फंक्शन क्या होता है, ये होता होगा ना, दूसरी स्टेट का वेव फंक्शन क्या होता है, ये होता बेटा इसका स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर, क्योंकि तो साई, तो साई टू है, साई टू स्क्वायर क्या होता है, तो जीरो से ए साई टू स्क्वायर क्या बताएगा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, जीरो से टू, जीरो से ए साई टू से बेटा क्या बताएगा साई टू स्क्वायर का जो कर्व होएगा भाई उसके अंडर एरिया क्या बताएगा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जीरो से ए, तो ये एरिया कितना बताओ वन, वन होगा ना, तो बेटा जीरो से ए बाई टू कितना एरिया आएगा, तो हम क्या बोलेंगे आधे बॉक्स में कितनी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू 50% आधे बॉक्स में अगले में, लेकिन कोई ये बोल दे कि इसमें ये बताओ जीरो से ए बाई फोर कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, शाबाश, और ये बोल दे तो कि ए बाई फोर से ए बाई टू बताओ, बेटा एक इसमें बॉक्स एक तरह एक अंक में क्या है आधा एरिया पॉइंट पांच, तो आधे इसका इसको बाई सेट करियो, तो हर एक में कितना है वन बाई फोर, वन बाई फोर ये पूरे एरिया को चार टुकड़ों में काट लो, तो बिना कैलकुलेट किए प्रोबेबिलिटी कैसे बताएं, कोई आपसे पूछ ले कि ए बाई फोर से थ्री ए बाई फोर बताओ प्रोबेबिलिटी, शाबाश बहुत अच्छे गुड, आपको बात कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है, लेकिन कोई आपको ये बोल दे, लेकिन कोई आपको बेटा ये बोल दे कि ना ये बताओ भाई कि जीरो से क्या, कोई बेटा आपको ये बोल दे कि जीरो से मतलब पहली स्टेट में क्या बताओ जीरो से ए बाई टू
सुरजीव से बाई फोर, तो बेटा ये एरिया कितना सारा, एक, लेकिन यहां से यहां तक तो कितना है ये, लेकिन ये अब पूरी तरफ बाइसेक्ट नहीं होगा ना, ये आपको क्या पता है कितना एरिया है, नहीं आपको बेटा, ये पूरा एरिया एक है, आधा 1/2 है, और इस आधे का आधा यहां पर नहीं बनेगा भाई, isn't it? तो बेटा आप ये आर्गुमेंट आप कहां लगा सकते, जीरो से a बाई फोर आप यहां अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल हंप नहीं है, ये वाला पोर्शन बेटा नियर आपको, तो ऐसे केस में आपने तो क्या करना पड़ेगा, आपने बाकायदा प्रोबेबिलिटी मालूम करनी पड़ेगी, तो कोई आपसे पूछ ले कि ग्राउंड स्टेट में जीरो से ए बताओ प्रोबेबिलिटी, क्या बताओ, क्या बताओ आप, बेटा वो ये बोल दे कि ग्राउंड स्टेट में जीरो से ए क्या बताओ प्रोबेबिलिटी, जीरो से ए बाई फोर, यानी यहां से यहां पूछ रहा है आपसे, तो आपने ये एरिया निकालना है ना, ये ना कर दियो पूरा एरिया एक आधा 0.5 उसका आधा कर देते ना, क्योंकि बेटा ये एरिया ज्यादा है ये कम है ना, तो ऐसे केस में आपने क्या करना पड़ेगा, आपने साइज स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, शाबाश, तो क्या करना आपने बताओ, तो मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं सभी स्टेट्स के लिए, ठीक है, क्या बेटा एक जनरल तरीका, तो साई टू स्क्वायर, साई क्या होता है, साई क्या होता है बताओ, रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टू बाई ए, ये क्या हो जाएगा टू बाई ए हो जाएगा, है ना, और ये क्या कर दो लोअर लिमिट, क्या कर दो अपर लिमिट, कहां से कहां तक भाई, ओके डी एक्स, क्या करो इसका इंटीग्रेशन, क्या करो इसका, तो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा मेरे पास, बताओ ये आ जाएगा, बताओ 1/n π इंटू एन पाई एक्स बाई ए, बताओ क्या 1/n π एन पाई एक्स बाई ए माइनस 1/2 साइन 2n π x बाई ए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बेटा ये है कि आपसे जिस स्टेट के बारे में पूछे, जो रेंज पूछे, आप यहां पर सिंपली वो रेंज पुट कर दियो, नहीं आपको, अगर पहली स्टेट है तो यहां पर क्या पुट करो बताओ 1, और कहां से कहां तक पूछा है, तो यहां पर क्या लिखो 0, यहां पर क्या लिखो, देखो n तो बेटा क्या कर दो 1 1 1, और यहां पर क्या लिखो 0, और यहां पर क्या लिखो a बाई फोर, फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, सॉल्व कर लोगे इसको, तो इजीली आपके पास क्या जाएगा, ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी, बात आपको पहले पढ़ रही है, आसान है कि मुश्किल है, शाबाश, ओके, तो बेटा अब एक आध क्वेश्चन और बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा एक होता है, एक होती बेटा पोजिशन, सॉरी एक होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पोजिशन, क्या पोजिशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वो तो क्या होती है बताओ बेटा, साई वन स्क्वेयर का ग्राफ क्या आया था, ये आया था ना, तो आपको देखा साई वन स्क्वेयर ज्यादा कहां पर है, मिड में, तो इसमें क्या है ए बाई टू, ये क्या है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो कैसे मालूम करते बताइए, मैक्सिमम मिनिमा कैसे मालूम करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे मालूम करते हैं पता आपको बेटा, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू, पहले बताओ ग्राफ किसका है, साई वन स्क्वेयर का, साई वन स्क्वेयर का, तो कोई आपसे ये पूछ ले कि पार्टिकल इन वन डी बॉक्स की पहली स्टेट में पार्टिकल मैक्सिमम टाइम कहां स्पेंड करता है, आप क्या करोगे, तो बेटा दो तरीके, ए बाई टू पे आप साई वन स्क्वेयर का ग्राफ प्लॉट कर लो, तो साई वन स्क्वेयर मैक्सिमम कहां पर है, सेंटर पे, तो विजुअल इंस्पेक्शन से भी ये मालूम कर सकते हो कि इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां है, सेंटर, ये क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी पोजिशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, नहीं बेटा कोई, इसको मालूम करना एक तरीका और भी है, एक तो हो गया हमारा विजुअल इंस्पेक्शन से, एक हो गया हमारा देसी तरीका, वो क्या होता है साई वन स्क्वेयर ग्राफ क्या होगा बताओ,
2 बाई ए साइन स्क्वेयर पाई एक्स बाई ए होगा ना बेटा, ये नहीं होगा मेरे पास साई, ठीक है, होगा मेरे पास साई वन स्क्वेयर होगा ना। तो इस फंक्शन का आपने मैक्सिमा आपने मालूम करना है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल्स टू जीरो। बेटा मैक्सिमा मिनिमा जहां पर मैक्सिमा होता है वहां पर ढलान क्या होती है, वहां पर स्लोप क्या होता है, जीरो। बेटा जहां पर मैक्सिमा मिनिमा हो, नियर आपको जहां पर मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है बताओ, स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो मैक्सिमा और मिनिमा पर डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो डिफरेंशिएशन जहां पर जीरो होगा वहां पर क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा। तो क्या करते हैं इसको, या तो क्या करो इसको डिफरेंशिएशन करो इक्वल्स टू जीरो पुट करो, फिर एक्स के अलावा हर चीज क्या करो दूसरी साइड फेंको, वो आएगा ए बाई टू। एक बेटा विजुअल इंस्पेक्शन से आपको वैसे नहीं पता लग रहा है, तो अच्छा आप सबको पूछ ले साई टू स्क्वेयर में बताओ मैक्सिम प्रोबेबिलिटी कहां होगी पार्टिकल के मिलने की, तो साई टू स्क्वेयर बेटा ये आया था हमारे पास, साई टू स्क्वेयर ग्राफ क्या था बेटा, साई टू स्क्वेयर ग्राफ क्या था बताइयो, दो मैक्सिमा आए थे ना, कहां कहां थे और ये कहां आया था, वेरी गुड। एक काम करो आप, अगर आप साई टू स्क्वेयर का आपके पास बेटा साई टू एक्सप्रेशन होता है उसका स्क्वेयर करके उसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल्स टू जीरो पुट करो, आपके पास तीन स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, ये वाला और, लेकिन बेटा टाइम कंज्यूमिंग नहीं वो, इससे बेटर हम क्या करेंगे हम विजुअल इंस्पेक्शन से मालूम कर लेंगे, मैं साई टू स्क्वेयर का एक्सप्रेशन लिखूं उसका स्क्वेयर करूं उसको डिफरेंशिएट करूं इक्वल टू जीरो पुट करूं, तीन स्टेशनरी पॉइंट निकाल लूं, फिर स्टेशनरी पॉइंट को चेक करूं कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा, इससे बेटर है ना, मुझे शब्द दिख रहा है भाई, नहीं बेटा कोई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसको इसको पढ़ाने के इसकी वजह थी, ठीक है ओके। एक बारी जैसे मैं बताता हूँ, एक बारी क्वेश्चन रखा है आईआईटी गेट के अंदर, क्या नहीं आईआईटी जैम के अंदर बेटा, ठीक है आईआईटी जैम के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, और कब आ रखा है, जैम 17 में आ रखा है बेटा, क्या जैम 17 में आ रखा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भाई ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन है, ये कहता है एक पार्टिकल 1D बॉक्स में ट्रैप्ड है, एक पार्टिकल 1D बॉक्स में ट्रैप्ड है, ये बता रखा है कि 0 से a तो x 0 से ज्यादा और l से क्या हो कम, बॉक्स की लेंथ क्या बेटा l है, पोटेंशियल है 0। अब समझ गए बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है बेटा, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है 0 मान लिया, फिर बोल दिया बॉक्स का शुरू होने से पहले, क्या बॉक्स बेटा शुरू होने से पहले मतलब यहां आगे का नहीं बताया क्या है, आगे नहीं बताया कुछ भी, यहां क्या बता दिया पोटेंशियल 0, यहां नहीं बताया क्या कुछ है, लेकिन यहां बता दिया इनफाइनाइट, यहां क्या है इनफाइनाइट, ठीक है ओके। बेटा आप चेक कर सकते हो या जैम के अंदर रखा क्वेश्चन ये, ठीक है ओके, नियर आपको ये। तो फिर कहता है ये बताओ एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इनमें से कौन सा होगा, अब आपने यहां पर एक्चुअल में वेव फंक्शन निकालना है, लेकिन इसने पूछ लिया कि बताओ बाउंड्री कंडीशन से मैच करने वाला फंक्शन कौन सा हो जाएगा, बाउंड्री कंडीशन से जहां पर एबीसीडी क्या है कॉन्स्टेंट, जहां पर एबीसीडी क्या बेटा कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एक तो इसने बोला है कि ए कॉस एन पाई एक्स बाई एल, थोड़ा हमको पता है इस साइड फंक्शन क्या है बेटा, इनफाइनाइट रीजन में फंक्शन क्या होता है 0। हम सोचते हैं भाई कितने टफ क्वेश्चन थोड़े ना पूछते होंगे भाई, जैम वाले हैं वो भाई कुछ ही पूछ सकते हैं, इवन कई बार तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना उनके क्वेश्चंस ज्यादा खतरनाक आते हैं किससे, जैम से, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी क्या करती है नेट के पेपर उठा के, और कई क्वेश्चन जब उन्हें क्वेश्चन नहीं मिलते ना तो वहां से उठा के सिलेक्ट कर देती है ऐसे ही रैंडमली, क्योंकि उनके पास उनके आंसर की होती है, उनको पता है नेट में क्वेश्चन आ रखा है आंसर की पे कोई कमेंट
कर नहीं पाएगा, बात आपको पहले पढ़ रही है। लेकिन बस बताओ बताओ यहाँ बेटा पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट, तो यहाँ फंक्शन क्या है, जीरो। तो कैसा भी फंक्शन हो बॉक्स में एंट्री करते फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा, बॉक्स के शुरू में फंक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ पक्की बात है। तो बेटा ये बताओ यहाँ पर कोई आपसे कही हो, यहाँ पर एक्स जीरो पुट करी हो, ये तो जीरो ना हो या? यानी ये फंक्शन एक्सेप्टेबल है? नहीं, इसने बोल दिया ए बी सी डी नॉन जीरो है, ठीक है ओके। नहीं बेटा आपको पक्का बोले पड़ रहे ओके। अब आप मुझे बताओ कि फिर इसने लिख दिया, बताओ अब फिर बेटा क्या है, सी एक्स क्यूब, क्या सी एक्स क्यूब और इंटू एक्स प्लस एल, बताओ ठीक बेटा बिल्कुल। आप एक्स बराबर जीरो पुट करियो, जीरो कहां पर आ जाएगा, हाँ वेरी गुड, हाँ एक्स जीरो जीरो आ गया। तो यही अपने आप क्या हो गया, यानी ये आपको क्या लग रहा है, ये पहली बाउंड्री कंडीशन से कंप्लाई नहीं कर रहा है क्या? नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ रही, बस बात बन गई। मतलब कई बार आपसे एग्जिट ना पूछ के, अब समझे मैंने डायरेक्शन क्यों करवाया था बेटा, वो तो मैंने डेशन को करवाया था क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पहले पढ़ जाए कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमको मेंटेन रखनी होगी। नहीं अरे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते ओके। नहीं आपको समझे ओके। अब बेटा बताओ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने प्रूव करना है वन डी बॉक्स के जरिए, ठीक है। अच्छा बताओ क्या वन डायमेंशनल बॉक्स सॉल्व करते हुए आपके पास बेटा वेव फंक्शन आ गया था, एनर्जी आ गई थी, वेव फंक्शन क्या था बताओ, वेव फंक्शन क्या था, रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई, ये आता वेव फंक्शन, एनर्जी क्या थी मेरे पास, सॉरी वेव फंक्शन आया था, ठीक है ओके। अब एनर्जी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, पोजीशन। अगर बेटा मैं इसके ऊपर क्या लगाऊं, सिंपल पोजीशन, मैं आपसे बोलूं कि भाई क्योंकि पोजीशन इसकी वेरिएबल है तो अगर आपने एवरेज पोजीशन निकाल आप क्या करोगे, आप कहोगे एक्स कैप इंटू रूट टू बाई ए साइन, चलो पहली स्टेट ले लो पाई एक्स बाई ए, क्या आएगा एक्स रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए। तो बेटा ऑपरेटर फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू कैसे आ रही है, वेरिएबल वैल्यू कैसे आ रही है, क्या इसको मैं ऐसे कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं, क्या करना पड़ेगा इसको भाई, एवरेज। जब वैल्यू क्या आ जाए भाई, वेरिएबल, तो वो रिपोर्टेबल नहीं होती। मैंने आपको पढ़ाया था ये पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, तो आप निकालो अब एवरेज पोजिशन, क्या करो बेटा एवरेज पोजिशन और मोस्ट प्रोबेबल पोजिशन में अंतर होता है। मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होती है, जहां पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, और एवरेज पोजीशन क्या होती है, जिस पॉइंट से लेफ्ट राइट वो बराबर टाइम स्पेंड करता है। नहीं आपको, तो कैसे आएगा हमारे पास एक्स एवरेज कैसे आएगा बताओ फटाफट, मैं सिंपली यहां पर वैल्यू लिखूंगा भाई, ठीक है एक्स एवरेज क्या आएगा बताओ, फंक्शन क्या आएगा बेटा, रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, सारी स्टेट ले लो एक साथ, सारी स्टेट एक साथ कंसिडर कर लो, बीच में क्या भाई, वेव फंक्शन ऑपरेटर वेव फंक्शन बेटा, वेव फंक्शन ऑपरेटर वेव फंक्शन, क्योंकि नीचे क्या होगा फिर वेव फंक्शन, लेकिन वो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन बताओ भाई, भाई क्योंकि था तो क्या, वेव फंक्शन ऑपरेटर वेव फंक्शन, वेव फंक्शन वेव फंक्शन, लेकिन नीचे वाला इंटीग्रल क्या आ जाएगा एक, क्योंकि फंक्शन क्या मारा नॉर्मलाइज्ड। नहीं बेटा आपको लास्ट पोस्टुलेट पता होगा ना आपको, लेकिन नीचे वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक, तो सिर्फ ऊपर वाला रखो, इसको इंटीग्रेट करने पता क्या आएगा हमारे पास a बाई टू, कितना आएगा, यानी सभी स्टेट्स की पोजीशन क्या होती है बताओ, यानी बेटा सभी स्टेट्स में बताओ एवरेज पोजीशन क्या ही है a बाई टू, मतलब पार्टिकल एवरेज टाइम कहां स्पेंड करेगा सभी स्टेट में,
ए बाई टू पे। अब आप कहोगे इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ। अब बेटा ये बताओ साई टू साई वन में क्या था, साई वन में सॉरी साई वन में क्या था बताओ, साई वन में मोस्ट प्रोबेबल भी कौन सी थी, ए बाई टू, और एवरेज भी कौन सी थी, ए बाई टू। लेकिन साई टू में मोस्ट प्रोबेबल तो कहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, लेकिन एवरेज यहाँ भी कहाँ क्या होगी, ये बेटा आपको देखो देखो साई टू स्टेट में सेंट में तो नोड होती है, यानी और पार्टिकल टाइम स्पेंड नहीं करता, तो मोस्ट प्रोबेबल वहाँ पर कौन सी होंगी, ए बाई फोर एंड थ्री बाई फोर, लेकिन एवरेज वहाँ भी क्या रहेगी, तो आपसे पूछ ले तो ध्यान रखो बेटा एवरेज पोजिशन क्या होगी सभी क्वांटम स्टेट्स में, क्या होगी यानी ए, यानी कि कोई भी क्वांटम स्टेट हो सेंटर से पार्टिकल लेफ्ट राइट क्या करेगा, बराबर टाइम स्पेंड करेगा। ध्यान आपको ये, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बताओ अब बेटा क्लासिकल वर्ल्ड में, अच्छा आपके पास एवरेज पोजिशन आ गई, आपके पास बेटा एवरेज पोजिशन आ गई, कितनी आई, ए बाई टू। अगर क्लासिकल वर्ल्ड होता तो इसका स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, तो आप कहोगे कि अगर एवरेज पोजिशन ये है तो एवरेज पोजिशन स्क्वेयर्ड क्या आना चाहिए था, लेकिन अगर आप एक्स स्क्वेयर निकालोगे ना, अगर अरे मैंने बेटा जब मैं यहां पर लिखूं तो उसको यहां पर बता दियो, मुझे सुनिए बात, हमें बताया नहीं है, बताओ। अरे भाई एवरेज पोजिशन आ गई है बाई टू, अब क्या निकालो, पोजिशन स्क्वेयर्ड एवरेज, क्या निकालो, पोजिशन स्क्वेयर्ड एवरेज। तो क्या करोगे, फंक्शन ऑपरेटर पोजिशन स्क्वेयर्ड, फंक्शन इंटीग्रेशन, बताओ क्या सॉल्व करके, बेटा अजीब बात नहीं है, क्या बताइयो, ए स्क्वेयर बाई थ्री, क्या है मेरे पास ये ए स्क्वेयर बाई थ्री, और क्या है माइनस ए स्क्वेयर बाई टू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, माइनस ए स्क्वेयर बाई टू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, अजीब बात नहीं है, हाँ बेटा ये अजीब बात नहीं है क्या, कि पोजिशन का एवरेज तो ये आया लेकिन पोजिशन स्क्वेयर्ड का एवरेज अलग नहीं आ रहा, आना कितना चाहिए था, फॉर वेरी गुड, ये ध्यान रखियो, अभी मेरे पास ये एवरेज पोजिशन ही आई है और पोजिशन एवरेज ही आई है, पोजिशन स्क्वेयर्ड एवरेज ही आई है, ठीक है। अब आप निकालो मोमेंटम, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मोमेंटम, इससे हम एक पॉइंट प्रूव करेंगे अभी, ठीक है, बताओ मोमेंटम कैसे आएगा, बताओ बताओ, वेव फंक्शन ऑपरेटर फॉर मोमेंटम, वेव फंक्शन इंटीग्रेट करोगे, बताओ बेटा क्या लास्ट में, जीरो, वेरी गुड। तो आप कह रहे मोमेंटम आया जीरो, अब बेटा क्लासिकल वर्ल्ड में अगर किसी चीज का मोमेंटम जीरो हो तो उसका मोमेंटम स्क्वेयर्ड भी क्या होता है, जीरो, ठीक है। लेकिन यहां पर चलो काम करते हैं भाई, मोमेंटम स्क्वेयर्ड निकालने टाइम आपको एक देसी तरीका आपको बताता हूं, आपके पास ई क्या आई थी, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई ए टाइम ए स्क्वेयर आई थी ना, अब सारी सारी क्या काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी क्या होती है, यानी हाफ एम वी स्क्वेयर, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, एम वी पी पी स्क्वेयर बाई टू एम, यानी पी स्क्वेयर बाई टू एम क्या है, ये होगा, तो बेटा टू से फोर कट गया, एम से एम कट गया, तो क्या आ गया मोमेंटम स्क्वेयर्ड, क्या आना चाहिए, है ना, तो देखो बेसिक मोमेंटम स्क्वेयर्ड आया भी कितना हमारे पास, बताओ, ये मैंने आपको बताया देसी तरीके से इंटीग्रेशन अवॉइड करके, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई फोर ए स्क्वेयर, तो कमाल देखो आप, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई फोर ए स्क्वेयर, अब बेटा कमाल देखो, अजीब बात नहीं है, मोमेंटम तो जीरो है, क्लासिकल वर्ल्ड में मोमेंटम जीरो हो तो मोमेंटम स्क्वेयर्ड भी क्या होता है, जीरो, है ना, लेकिन आया कितना हमारे पास, नॉन जीरो, क्लासिकल वर्ल्ड में पोजिशन ए बाई टू होनी क्या चाहिए थी, है ना,
तो ये तो आया है पोजीशन स्क्वेयर्ड, और एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड आनी क्या चाहिए थी, ए स्क्वेयर बाई फोर, ये आनी चाहिए थी, ये आई है। इसका मतलब ना तो डिफरेंस है वो क्या है, पोजीशन स्क्वेयर्ड में अनसर्टेनिटी नहीं है आपको, बट एवरेज पोजिशन ही आई है, पोजिशन एवरेज ही आई है, पोजिशन स्क्वेयर्ड एवरेज ही आई है, लेकिन पोजिशन एवरेज का स्क्वेयर क्या होना चाहिए था, आया ये है, इनका डिफरेंस क्या होगा, किसमें, पोजिशन स्क्वेयर्ड में, मोमेंटम ये आया, मोमेंटम स्क्वेयर्ड ये आया, मोमेंटम स्क्वेयर, मोमेंटम एवरेज का स्क्वेयर आना क्या चाहिए था, ध्यान रखियो ये मोमेंटम स्क्वेयर्ड एवरेज है, ये मोमेंटम एवरेज स्क्वेयर्ड है, नहीं आपको सुन, क्लासिकल ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, सेम होते ही, मोमेंटम ये आया, मोमेंटम स्क्वेयर एवरेज ये आया, मोमेंटम स्क्वेयर एवरेज आना क्या चाहिए था, तो इनका डिफरेंस क्या है, किसके अंदर, मोमेंटम स्क्वेयर्ड के अंदर, शाबाश। थोड़ा काम करो, पहले आप निकालो, तो अगर मैं पोजिशन स्क्वेयर्ड की अनसर्टेनिटी निकाल के उसका रूट कर दूं बेटा, तो क्या जाएगा, पोजिशन की अनसर्टेनिटी, यानी अगर मैं इसमें से ये घटा के तो क्या जाएगी, तो बेटा मैं इसमें से ये घटा के उसका रूट कर दूं, क्या अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो बताओ यहां पर वैल्यू पुट कर दो, यहां पर ए स्क्वेयर बाई, यहां पर ए स्क्वेयर बाई फोर पुट कर दो, ये बताओ मेरे पास क्या आएगी फिर, पोजिशन की अनसर्टेनिटी। सिमिलरली फिर क्या करना आपने बताओ, मोमेंटम स्क्वेयर्ड ही आया, आना चाहिए था जीरो का स्क्वेयर, डिफरेंस करो रूट करो, ताकि क्या जाए मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, एन एच अपॉन टू पाई, नहीं है बेटा, तो ये तो क्या है, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, और ये क्या है बताओ, पोजिशन की अनसर्टेनिटी। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप इस इक्वेशन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला बेटा एक्सप्रेशन ये है क्या, बताओ अब क्या करना है इसको, नहीं बेटा आपको ये, अब इसको आप थोड़ा क्या करो, रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करके बताओ मेरे पास क्या बस, फाइनली ये आ जाएगा मेरे पास सिंप्लीफाई करने पर। तो आप मुझे ये बताओ, अब आप बेटा एन कुछ भी पुट करो, पाई स्क्वेयर बाई थ्री दो से बड़ा ही होता है, पाई स्क्वेयर बाई थ्री क्या होगा, दो से बड़ा, तो बेटा ये जो डिफरेंस होएगा, मतलब मैं आपको बेटा ये कह रहा हूं कि दिस टर्म विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन, एन की कोई वैल्यू पुट कर दियो, ये टर्म बेटा हमेशा एक से क्या आएगी, बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एच हमेशा एक से बड़े नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, यानी एक्स और पी एक्स की मल्टीप्लाई हमेशा एच अपॉन फोर पाई से बड़ी आएगी, और वही क्या था हमारे पास, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बात आपको पहले पढ़ रही है, शाबाश, बहुत अच्छा आपने बेटा, अच्छा एफर्ट लगाया है आपने, अच्छी मेहनत की, गुड, ठीक है, आगे नहीं आपको बेटा, अभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अब आगे मैंने काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप खुद कर लोगे, एक आधा क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। चलो पहले आप ही बताओ, ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन वन डी बॉक्स ऑफ लेंथ, ये कहता है अगर बॉक्स की लेंथ क्या है, एल बाई फोर से, सॉरी बॉक्स की लेंथ तो एल है, लेकिन बॉक्स के वन फोर्थ से लेके बॉक्स के थ्री फोर्थ तक क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो ग्राफ क्या होता बेटा, साई वन का, साई वन स्क्वायर ग्राफ ही होता होगा, तो ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करोगे आप बताओ, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, एल बाई फोर से फोर, तो साई वन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, तो बताओ क्या होता था हमारे पास, ये मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ बेटा प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, साई एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साई एन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन ये आता है मेरे पास, तो यहां पर एन क्या पुट कर दो, एक एक एक, और ये क्या लोअर लिमिट क्या रखो, एल बाई फोर, अपर क्या लिमिट क्या रखो, थ्री बाई फोर, नहीं बेटा आपको ये, फिर इसको वही सिंप्लीफाई कर लो, बताओ लास्ट में क्या है मेरे पास, वन बाई टू प्लस वन बाई पाई, नहीं आपको ये,
अच्छा बताओ, ये बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बताओ। ये कहता है कि अगर किसी बॉक्स की लेंथ बताओ क्या है, माइनस ए टू प्लस ए, क्या बोल दिया इसने? इसने बोल दिया बेटा अगर बॉक्स की लेंथ क्या है, माइनस ए से प्लस ए है, क्या नहीं आपको समझ आया? अब इसने बॉक्स बोल दिया माइनस ए से, नहीं माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, तो बेटा ओवरऑल लेंथ क्या रहेगी बताओ? तो ओवरऑल लेंथ क्या रहेगी ना, माइनस ए से प्लस ए ही है भाई, क्या है बेटा? माइनस ए से प्लस ए ही है, माइनस ए से प्लस ए। तो बेटा देखो फंक्शन ग्राफ ऐसा ही रहेगा। अब पहले बताओ यहां पर मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कौन सी आएगी बताइयो? जीरो, नहीं आपको समझ में? अच्छा, और लेंथ लेंथ क्या होगी एक तरह से? टू ए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया करता बताओ एनर्जी का? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर आया करता ना, तो ए की जगह आप किस रिप्लेस कर दोगे? टू ए, डबल डबल नहीं होगा क्या? तो टू ए का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा? फोर ए स्क्वेयर। तो आठ चौक 32 क्या होगा? शाबाश। तो बता कौन सा इसमें से कौन सा है बताइयो? नहीं कहता है, ये कहता है टू से थर्ड का बताओ डिफरेंस। क्या कहता है? टू से थर्ड का क्या बताओ डिफरेंस। तो बताओ बेटा एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर? 32 नहीं आ जाएगा, 32 एम ए स्क्वेयर। तो टू पुट करिए यहां पर क्या जाएगा, और तीन पुट करिए यहां पर, तो 9 एच स्क्वेयर बाई 32 एम ए स्क्वेयर, और कितना गया? शाबाश, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे, गुड। हाँ बेटा कौन सा आंसर आ गया? ये नहीं है, ये आ गया मेरे पास आंसर। और ध्यान रखियो इनमें अगर आप फंक्शन पूछ लेना तो ऐसे वो बेटा फंक्शन बदल जाएंगे क्या? इन केस में एनर्जी फॉर्मूला तो क्या बदल जाएगा, माइनस से प्लस से करने पर ये बदल जाएगा, और फंक्शन क्या बदल जाएंगे? एन इवन हो तो ये फंक्शन, एन ऑड हो तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन। जब जीरो से ए था तो बेटा फंक्शन क्या रहा करता? रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। लेकिन ऐसे केस है माइनस ए टू प्लस ए, एन इवन का फंक्शन अलग होगा और एन ऑड का फंक्शन क्या होगा? अलग। ये याद करो तो कर ले, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं आपको, मैंने एडिशनल पॉइंट के तौर पर ऐड कर रखा है। बस सिमिलरली बताओ अगर एक पार्टिकल बेटा माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू क्या हो? कन्फाइंड। तो बॉक्स की लेंथ क्या रहेगी ओवरऑल? बेटा माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू रहे यही रहेगी, तो एनर्जी फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा ना, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बताओ तो ग्राउंड एनर्जी क्या होगी बताओ? बताओ सेम रहेगी एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर। और ऐसे केस में टाइप ध्यान रखियो, ऐसे केस में अगर माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू बोल देना तो फंक्शन ही हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये भाई मैं आपको कहूँगा ये, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो तो क्या बेटा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वो इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकती हैं जैम में, इस मतलब ऐसे बदलेंगे नहीं जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, उसमें जीरो से नहीं आपको समझ में, वहाँ पर बॉक्स के लेंथ बेटा जीरो से ही रखेंगे। लेकिन अगर माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू कर दें तो एनर्जी तो सेम रहेगी, और फंक्शन क्या हो जाएंगे बताओ? इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला और ऑड के लिए ये वाला फॉर्मूला, कर लो इसको आराम से। नहीं आपको समझ में ये पक्का क्या? ओके बस ठीक है, इनको पढ़ लियो, पढ़ो तो आप जितना पढ़ना चाहो ना उतना पढ़ लियो, ओके। मेरे ख्याल से काफी इनको बेटा जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लियो, ठीक है, ओके। अच्छा बताओ एक सिंपल बात लेकिन आपसे पूछूंगा, ई इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर है, तो मैं आपसे एक बात बोलूं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी? एच स्क्वेयर बाई एट एम ए स्क्वेयर होगी ना। अच्छा तो कभी भी आपसे एरिया पूछे तो आपने क्या करना होता है, सॉरी आपसे क्या पूछे, प्रोबेबिलिटी। अच्छा कोई ये कह दे अगर साई वन स्क्वेयर का बेटा ग्राफ ये है और ये कह दे यहां फंक्शन इतना है, यहां पर आपको क्या बता दे फंक्शन बता दे,
और थोड़े से रीजन में आपसे क्या पूछ ले, प्रोबेबिलिटी ये पूछ लें आपसे, और ये विड्थ आपको बता दें, क्या बता दें आपको, तो ये विड्थ, और क्योंकि थोड़े रीजन में क्या हो, थोड़ी पट्टी में ये ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी ना, तो सेंटर में फंक्शन निकाल के, तो बेटा इस पॉइंट पे फंक्शन निकाल के, नहीं आपको सुनो, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से, क्योंकि आपने इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, दिस साइड इंटू दिस साइड, नहीं बात आपको पले पड़ रहे, लेकिन आपसे पूछ लें ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, अगर मास बढ़े, मैं कह दूं बेटा मास तो मैंने कर दिया चार टाइम्स और बॉक्स लेंथ कर दी हाफ, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी, सेम रही, क्योंकि शाबाश एम हो गया 4m, ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4, बेटा 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, नहीं आपको सुन में, वेरी गुड, ओके बहुत अच्छे भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।